श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रसिक वैष्णव भक्त जनों, श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन है, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदि केलि सिंधु। श्री राधिका प्रेम करुणा वात्सल्य रस सिंधु से परिपूर्ण है और यह ग्रंथ उन्हीं श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम सिंधु की बिंदु का अनुभव करवा के कलयुग के तप्त दग्ध जीव को धन्य धन्य करने वाला है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम,
जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अश्रन शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधारमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री राधा रसुधा निधि जी का आश्रय ग्रहण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज श्री राधा रसुधा निधि रसमयी व्याख्या का अष्टम दिवस है। कल श्लोक संख्या 50 तक हम श्रवण कर चुके हैं। श्रीपाद के दिव्य दिव्य भावों को आपको स्मरण होगा। कल जहां भाव राज्य में सत्संग का विश्राम हुआ, जिस 50वें श्लोक में आचार्य पाद कह रहे थे वृंदावने विलसतापहतम विदग्ध द्वंदेन केनचिदहो हृदयम मदीयम्। श्री वृंदावन में विलास में रत महारास रस वैभव से युक्त किसी युगल ने किसी जोरी ने मेरे हृदय का अपहरण कर लिया है। धन्य है वो हृदय जिस हृदय का श्यामा श्याम हरण करते हैं, अन्यथा तो हम संसार में पड़े जीवों का तो संसार के विषय ही चित्त हरण करते हैं। कभी काम चित्त हरण करता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी किसी का रूप, कभी कोई सुस्वादु पदार्थ, कभी कोई वस्त्र, पता नहीं मान सम्मान, पता नहीं कौन कौन बात हमारे चित्त को हर समय हरण करती रहती हैं। पर धन्य है श्रीपाद का हृदय, वह स्पष्ट कह रहे हैं केनचिद हो हृदयम मदीयम्, किसी ने मेरा हृदय हरण कर लिया है। वृंदावन में विलासरत किसी जोरी ने श्याम सुंदर गोकुल लीला में माखन चुराते हैं, वृंदावन लीला में चीर चुराते हैं, रास लीला में चित्त चुराते हैं। चोरी करना तो ब्रज बिहारी का स्वभाव है, पर प्रभु माखन ही क्यों चुराते हैं? यह तो प्रथम लीला है। माखन में तीन गुण है। पहला, वो काला नहीं है, वो श्वेत है। दूसरा, वो कठोर नहीं है, कोमल है। तीसरा, वह कपटी नहीं है, कपट रहित है। जैसा भीतर से है ऐसा बाहर से है। प्रभु गोपियों के घर माखन चुराते हैं। माखन से अर्थ केवल माखन नहीं है। ठाकुर को माखन की भूख तो
नंद यशोदा जी से ज़्यादा माखन किसी के घर पर होगा क्या, जिन्होंने अपने लाला के जन्मोत्सव में 20 लाख गैया दान कर दी हों, उन नंद बाबा के यहाँ दूध की दही की माखन की कमी होगी क्या, जो कन्हैया ब्रजगोपियों के घर पर जाकर माखन चुराए। माखन नहीं बंधुओं, गोविंद तो गोपियों का हृदय चुरा रहे। जिस गोपी का हृदय माखन जैसा हो गया है, माने माखन की तरह श्वेत हो गया है, काली माँ नहीं रही, कलमश नहीं रहा, जिस भगवान गोपी का हृदय माखन की तरह कोमल हो गया है, कठोरता बाकी नहीं रही, और जिस भाग्यवान गोपी का हृदय माखन की तरह कपट रहित हो गया है, माखन के गोले को फोड़िए तो भीतर भी माखन ही निकलेगा, भीतर भी माखन माखन, बाहर भी माखन, तो जिसका हृदय काली माँ से रहित हो गया है, कलमश से रहित हो गया है, श्वेत हो गया है, जिसका हृदय कठोरता से रहित हो गया है, कोमल हो गया है, श्यामा श्याम के प्रेम में द्रवीभूत हो गया है, और जिसका हृदय कपट रहित हो गया है, बंधुओं उसी भगवान साधक के हृदय को माखन मानकर गोविंद चुरा लेते हैं, पा लेते हैं। और हम लोग श्रवण करते हैं, जीव भोग्य है, भगवान भोक्ता है। सारी दुविधा उसी दिन से प्रारंभ हुई जब हम अपने को भोक्ता मानने लगे, संसार को भोग्य मानने लगे। नहीं नहीं, भोक्ता तो गोविंद हैं, हम भोग्य हैं, भगवान स्वामी हैं, हम दास हैं। इस संबंध को भुलाने पर ही सारे अनर्थ प्रारंभ हुए। तो गोविंद गोकुल लीला में माखन चुराते हैं, और यमुना पुलिन वाली लीला में चीर चुराते हैं, चीर चुराते हैं। चीर को आवरण भी माना जा सकता है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है वह ब्रज गोपी, जो कात्यायनी की पूजा करके, यमुना स्नान करके, पुष्प चढ़ाकर, परिक्रमा करके केवल केवल एक गोविंद प्राप्ति का ही वर चाहती हैं, श्री कृष्ण ने उनके चीर चुरा लिए। कितने कितने आवरण जो हमारे ऊपर रहते हैं, रूपक के अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। हम जीवों के पक्ष में, गोपियां तो चिन्मय हैं। भगवान चीर को चुरा लेते हैं, आवरण को चुरा लेते हैं। उस आवरण ने ही तो हमारे स्वरूप को ढका हुआ है। कभी हम अपने को ब्राह्मण मान लेते हैं, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी कुछ और, कभी धनवान, कभी गरीब, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी राजा, कभी रंग, कभी विद्वान, कभी मूर्ख, कभी सुंदर, कभी कुरूप, कभी विद्वान, जाने क्या क्या आवरण। पर ये सब उपाधियां हैं, ये सब इस संसार से मिली हुई उपाधियां हैं और क्षणिक है। जो आज धनवान है, हो सकता है कल निर्धन हो जाए। जो आज निर्धन है, हो सकता है कल धनवान हो जाए। जो आज बलवान है, हो सकता है कल बलहीन हो जाए। ये सारी वस्तुएं, इसीलिए तो संसार को संसार कहा जाता है। संसरतीति संसार, जो सरकता रहे, जो शाश्वत नहीं हो, जो निरंतर ह्रासमान हो, क्षणिक हो, क्षणभंगुर हो, उसी को संसार कहते हैं। तो चूंकि जगत क्षणभंगुर है, इसलिए जगत में जो कुछ भी हमको दैहिक स्तर पर उपलब्धि हुई है वो सब क्षणभंगुर है। और उन उपाधियों को ही हम सत्य माने हैं। जो गोविंद भगवान से मिलने को व्याकुल होता है, आश्रय लेता है, भगवान उसका चीर चुरा लेते हैं। और फिर किसी किसी भाग्यवान का भगवान चित्त चुरा लेते हैं। आहा, गुरुजनों की वाणी है,
ठाकुर जी किसी की जीवा चुनते हैं। हम इस पक्ष में अपने को बहुत बड़भागी मानते हैं, और कोई योग्यता नहीं, पर बड़भागी इस कारण मानते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी प्रकार ठाकुर जी सधम की जीवा से भगवान नाम का उच्चारण करवा रहे हैं, अपनी लीलाओं को स्फुरित कर रहे हैं। भले वो लीला रस नाम रस अभी हृदय तक न पहुंचा हो, पर वह जीवा से लीला स्फुरित हो रही है, नाम स्फुरित हो रहा है। गोविंद किसी की जीवा चुनते हैं, श्री कृष्ण किसी का तन चुनते हैं। यदि हमारा तन गुरु सेवा में, गोविंद सेवा में, धाम की सेवा में लगा है, हम बहुत बड़भागी हैं। हमें उस सेवा को भार नहीं मानना है। कोई लाखों में चुना जाता है, कोई लाखों में ठाकुर जी जिसका तन चुनते हैं, कोई बड़भागी होता है। ठाकुर जिसका धन चुनते हैं, धन चुनते हैं। गौर लीला में हम लोग सुनते हैं महाप्रभु के इतने परिकर थे, लेकिन उनमें एक वाणीनाथ थे जिनको प्रभु सीधे सीधे धन वाली सेवा के लिए आदेश कर देते थे। इतने वैष्णव हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था करो। उन वैष्णव को अभाव है, उनको इतनी धन की व्यवस्था करो। गुड़ीचा मंदिर के लिए जाना है, 100 नई कलसी, 100 नई बुहारी आए, जिनको आज्ञा करते थे। भक्त तो कितने थे, पर एक वाणीनाथ वो बड़भागी थे जिनकी धन की सेवा को श्री महाप्रभु ने चुना। गोविंद वो सेवक बड़भागी थे जिनके तन की सेवा को महाप्रभु ने चुना। तो ठाकुर जी किसी का तन चुनते हैं, किसी का धन चुनते हैं, और कोई अत्यंत अत्यंत बड़भागी होता है तो गोविंद उसका मन चुनते हैं, मन चुनते हैं। अनेक बार तन चुन लें, पर कहीं कुसंग मिल जाए, कहीं कोई विपरीत संग मिल जाए, कोई दुर्देव आ जाए, तो ऐसा भी देखा गया जो लोग बहुत सेवा करते थे उनके मन में घमंड आ जाता है, या उनके मन में कोई दूसरा भाव आता है, हम ही क्यों करें, और भी तो हैं, हम ही लगे रहें, हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना पसीना बहाते हैं। कभी उन लोगों के परिवार वाले बोलने लगते हैं, तुम रात दिन लगे रहते हो सेवा में, तुमको क्या मिला। तो तन की सेवा में ऐसा कभी भाव आ जाए तो भटकने का, पिछड़ने का भय रहता है। अनेक बार तो पतन तक हो जाते हैं इन भावों से। ठाकुर जी जिनका धन चुनते हैं, उनके भीतर भी गुरु सानिध्य में रहें तो ये दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं गुरु सानिध्य से इधर उधर हो जाएं, कहीं कुसंग हो जाए, तो जिसका ठाकुर जी धन चुन रहे हैं उसके भीतर घमंड आने की संभावना रहती है। अरे मैंने आश्रम में इतनी सेवा की, मैंने मंदिर में इतनी सेवा की, मैंने इतने साधुओं का भंडारा किया, मैंने इतनी गौ सेवा की, ऐसा कोई भाव आ सकता है। तो वह धन की सेवा करते उससे अपराध बनेगा और वो अपराध उसको कृपा से वंचित कर सकता है। लेकिन जिसका गोविंद मन चुन लेते हैं, ओहो, वो फिर गोपी बने बिना नहीं रह पाता। जिसका गोविंद मन चुन लेते हैं, हम आश्रितों का तो सब कुछ ही गोविंद का है, सब कुछ प्रिया प्रियतम का है, गुरुदेव का है, अपना कहने को तो कुछ नहीं है। और असलियत ये है, जिसका ठाकुर मन चुन लेते हैं, फिर उसका तन धन सर्वस्व तो गोविंद का हो जाता है। हाँ, तन चुन ले, हो सकता है मन बचा रहे, मन ना पकड़ में आए। सबसे उद्यमी तो यही है, हो सकता है किसी का धन चुन ले पर उसका तन और मन सेवा में काम ना आए, हो सकता है किसी का तन चुन ले पर उसका धन और मन सेवा में काम ना आए। पर यदि किसी का मन चुन लिया, ओहो, तो तन और धन की तो कौन कहे, उसका रोम रोम, उसका सर्वस्व, उसका मन प्राण आत्मा, उसकी सारी योग्यता, सब कुछ राधा गोविंद की सेवा के योग्य हो जाता है।
ये सब क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि कल जिस भाव दशा में सत्संग का विश्राम हुआ, वो पंक्ति बार बार हृदय को उल्लासित कर रही है। वृंदावने विलसतापहतम विदग्ध द्वंदेन के न चिदहो हृदयम मदीयम। वृंदावन में विलासरत किसी युगल ने मेरा हृदय हरण कर लिया। बड़भागी हैं श्रीपाद, हम भी इस दिव्य ग्रंथ के आश्रय में, इन रसमय श्लोकों के आश्रय में श्री राधा गोविंद को प्रार्थना करें, जोरी को प्रार्थना करें, जैसे आपने श्रीपाद का हृदय हरण किया। हम में योग्यता तो नहीं, आपके हरण करने योग्य तो नहीं, पर आप हरि हो ना, हरने वाले को तो हरि कहते हैं। सुंदर सुंदर हृदय तो आपके पास बहुत सारे होंगे, एक गंदा हृदय ही सही गोविंद। सुंदर सुंदर हृदय तो बहुत सारे होंगे, गोपियों का चित्त तो तुमने बहुत चुराया है। हे गोविंद, मुझ अधम का भी हृदय हरण कर लो। ये मेरा हृदय ही तो मुझको अनंत अनंत जन्मों में भटका रहा है। इस मेरे मन ने ही तो मुझे नरकों तक की यातना खिला दी। इस मन ने ही तो जाने मुझे कितने कितने शरीरों में घुमा दिया। ये मन ही तो सारे झंझट का कारण है। और श्याम सुंदर, तुम तो मनमोहन हो, तुम मेरा मन नहीं चुराओगे क्या? मेरे प्यारे, सुमन तो तुम्हारे पास बहुत है, सुंदर मन तो तुम्हारे पास बहुत है, बहुत होंगे। भक्तमाल में जितने भक्तों के चरित्र हैं, उन सबके मन तुम्हारे पास ही तो हैं, तभी तो तुम चित्त चोर हो। अरे हजारों सूखी लकड़ी हो तो उसके बीच में गीली लकड़ी लगा दो तो वो भी प्रज्वलित हो जाती है। गोविंद, तुम्हारे पास तो असंख्य शुद्ध मन हैं, जिनको तुम चुराए बैठे हो, जिन मनों के तुम मालिक बने बैठे हो। उन हजारों करोड़ों असंख्य शुद्ध मन में एक मेरा गंदा मन भी स्वीकार कर लो। मैं तो असमर्थ हो रहा हूँ अपने मन को स्वच्छ करने में, पर तुमको पाने की लालसा है। गुरुदेव ने तुम्हारा दास तो बनाया है, मेरे नाते नहीं, मेरे गुरुदेव के नाते, मेरे परम गुरुदेव के नाते, मेरे परात्पर गुरुदेव के नाते, मेरे परमेष्ठी गुरुदेव के नाते, श्री सखी माँ के नाते, राधा रमन चरण दास देव जी के नाते, श्री नित्यानंद प्रभु जी के नाते मुझे स्वीकार करो प्रिया प्रियतम। ये आर्त चित्त में उत्पन्न करनी होगी, ये आर्त उत्पन्न करनी होगी। जिस रस ग्रंथ काम आश्रय लिए हैं, ये बहुत ऊंची बात है। अभी वहां की योग्यता तो है नहीं, कब अर्जित कर पाएंगे ये भी नहीं पता, पर फिर भी लोभ हृदय में रुका नहीं, रुक नहीं पाए तो योग्यता न होते हुए भी इस ग्रंथ का आश्रय ग्रहण कर लिया, यही सोचते हुए कि आचार्य चिन्ह में, आचार्यों की वाणी चिन्ह में, ग्रंथ चिन्ह में, वंदे हम श्री गुरु कह के गुरुदेव को यही प्रार्थना करते हैं। न मुझ में योग्यता है, न मुझे आगे संभावना है कि योग्यता आएगी। मेरी योग्यता एक यही है, आपसे संबंध है, यही एक अवलंब है। हे मेरे गुरुदेव, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो। हे मेरे गुरुदेव, और कोई तो अवलंब नहीं है, तो प्रार्थना करनी होगी, चित्त डुबाना होगा उस रस राज्य में। कल के सत्संग को एक बार स्मरण कर लीजिएगा, कल के सत्संग का नशा अभी उतरा नहीं है, स्मरण कर लीजिएगा कैसी कैसी अद्भुत सेवाएं की थी मंजरी स्वरूप से श्रीपाद ने, आचार्य ने कैसी कैसी किंकरी के स्वरूप से, किम करोमी
मैं क्या करूं क्या करूं, जो ये कहे जो ये सोचे उसी का नाम तो किंकरी है। जो सदैव हाथ जोड़ के खड़ी रहे और कहे किम करोमि, मैं आपके लिए क्या करूं, उसी का नाम तो किंकरी है। और जो अपने इष्ट को कहे आप मेरे लिए करो, वो किंकरी कहाँ, वो सेविका कहाँ, वो तो स्वामी हो गई ना। स्वामी से आज्ञा मांगी जाती है कि स्वामी को आज्ञा दी जाती है। कल कैसे किंकरी भाव में आविष्ट प्रवाहमान होकर के लीला संपादित कर रहे थे, और जब जब लीला रस थोड़ा इधर उधर होता था तो अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। और कल आखिर में यही कहा था कि मेरा हृदय किसी युगल ने हरण कर लिया है, बलिहार हैं वो हृदय, धन्य है उन 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 भगवानों का जन्म लेना धन्य है, उनके माता पिता धन्य हैं, उनके गुरु धन्य हैं, उनकी परंपरा धन्य है, उनका जन्म स्थान धन्य है, उनका रोम रोम धन्य, उनके परिकर धन्य। जिस भगवान के हृदय को राधा गोविंद हरण कर ले, कहाँ हरते हैं वो, नहीं हरते आसानी से। तो श्रीपाद का हृदय हरण कर लिया था, हरण तो पहले ही से ही था, पर जितनी बार उनको देखते हैं उतनी बार लगता है कि हृदय हरण कर लिया, ऐसी उनकी रीति है। तो 50वें श्लोक तक का यत किंचित गुरु कृपा से आस्वादन किया था, अब भूमिका बहुत हो गई। आगे 51वें श्लोक से आगे की यात्रा करते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के चरण आश्रय में आप 51वें श्लोक में कह रहे हैं, महाप्रेमोन्मिलन नवरस सुधा सिंधु लहरी परिवाहैर विश्वम स्नपयदीव नित्रांत नटनैः तडिन्माला गौरं किमपि नवकैशोरमधुरं पुरंध्रीणां चूड़ाभरण नवरतनं विजयते। आचार्य कह रहे हैं नेत्रांत संचालन द्वारा उन्मिलित महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों से विश्व को प्लावित करने वाली तरणमाला जो गौर और नवकैशोर मधुर है, और नागरियों की अनिर्वचनीय शिरोभूषण नवरत्न स्वरूप श्री राधिका सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। 50वें श्लोक तक रस प्रवाह हुआ था और फिर कुछ देर के लिए वह प्रवाह, हमको तो लगता है कि स्वरूप आवेश से जो साधक आवेश में श्रीपाद आते हैं और जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हम जीवों के लिए बाहर आते हैं, गौर की इच्छा से बाहर आते हैं, क्योंकि यदि वो स्वरूप आवेश में स्थित रहें और सेवा संपादित करते रहें तो इन श्लोकों का निर्झर कैसे फूटता। इन श्लोकों का निर्झर तभी फूटा जब सेवा संपादित करते करते वह प्रवाह थोड़ी देर के लिए थमा और फिर हृदय में उत्कट लालसा सेवा अभिलाषा उत्पन्न हुई और अत्यंत उत्कट विरहमय अवस्था में उन्होंने सेवा अभिलाषा के लिए साधक आवेश में प्रिया प्रियतम को याचना की, प्रार्थना की। तभी तो ऐसा ही प्रवाह श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के विलुपाप कुष्मांजलि ग्रंथ में दिखता है। अवसर आने पर उस ग्रंथ का आश्रय लेंगे तो हम दर्शन करेंगे। तो लीला रस से बाहर श्रीपाद जब भी आते हैं
उसके पश्चात जब पुनः चिंतन प्रबल होता है और पुनः वह लीला के आवेश में प्रवेश करते हैं, तब एक नई लीला का उद्घाटन हो जाता है। हम साधकों पर, आश्रितों पर कृपा करने के लिए मंजरी अपने खजाने से लीलाओं का अनुभव उड़ेलती हैं। इस 51वें श्लोक में ओहो श्रीपाद को मंजरी भाव में आविष्ट होकर दिव्य निकुंज में अपनी रूप छटा को बिखेरते हुए अपने दिव्य दिव्य महिमा के साथ, अपने दिव्य दिव्य वैभव के साथ प्रिया जी का दर्शन हो रहा है। ओह कैसी प्रिया जी का दर्शन हो रहा है, नेत्रांत संचालन द्वारा उन मिलित महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों से विश्व को प्लावित करने वाली तड़िन माला, माने जिनके केवल नेत्र संचालन से महाप्रेम सिंधु तरंगायित होता है, वह महाप्रेम सिंधु जो सारे विश्व को प्लावित कर दे, माने प्रिया जी का प्रेम सिंधु कैसा है, उसकी कैसे विवेचना हो सकती है। प्रिया जी की प्रेम सिंधु का एक बिंदु इस विश्व में जितने प्राणी हैं उन सबको प्रेम सिंधु में डुबा देने के लिए चर चराचर जितने ब्रह्मांड हैं उन समस्त जीवों को, देहधारियों को, जड़ चेतन को प्लावित कर देने के लिए, रस निमग्न कर देने के लिए अत्यंत पर्याप्त है प्रिया जी के प्रेम सिंधु का एक बिंदु, गौर के प्रेम सिंधु का एक बिंदु, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत चराचर जीवों को प्रेम मगन करने के लिए अत्यंत पर्याप्त है। तो होते क्यों नहीं सब, पात्रता नहीं है ना, पात्रता नहीं है ना, पात्रता न होने से ग्रहण करने की, किसी अनजान को अगर चंदन की लकड़ी दे भी दें तो वो चंदन की लकड़ी को जलाकर भी कोयला बना देगा, महत्व के बिना तो संभाल होगी नहीं। यह मनुष्य जीवन कम महत्व का है क्या, लेकिन कितनी श्वास व्यर्थ चली गई, कितने दिन, कितना जीवन, कितने वर्ष व्यर्थ चले गए। पर यदि चरणाश्रय ग्रहण किया जाए तो एक बिंदु चर चराचर को प्रेम में डुबा देने के लिए पर्याप्त है। तो जिन प्रिया जी के नेत्रांत संचालन द्वारा महाप्रेम सिंधु की तरंगों से पूरा विश्व प्लावित हो जाए और जो समस्त नागरियों की, माने जितनी भगवान के प्रिया वर्ग हैं, जितनी अवतारों की जितनी प्रिया वर्ग हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्र जा पुलोम जा विरंचि जा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप वैष्णव लोग पाठ करते हैं, अनंत विष्णु लोकों की स्वामिनी, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, अनंत वैकुंठों की स्वामिनी लक्ष्मी जी जिन प्रिया जी के चरणों की अर्चना करती हैं, हिमाद्र जा पुलोम जा विरंचि जावर प्रदे ब्रह्माणी जी, पार्वती जी, इंद्राणी जी जिनसे वर को पाती हैं, जिनके चरण नख में अपार अपार रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं, वे प्रिया जी हम पर कब कृपा कटाक्ष करेंगी। तो जिन प्रिया जी के नेत्र संचालन से दिव्य दिव्य प्रेम सिंधु की तरंगे विश्व और विश्व मोहन को प्लावित करने वाली हैं, जो समस्त प्रिया वर्ग की शिरोभूषण हैं, अनिर्वचनीय शिरोभूषण हैं, ऐसी कोई नवरत्न श्री राधिका, बोलन देखिए, ऐसी कोई नवरत्न पुरंध्रीणाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते, ऐसी कोई नवरत्न श्री राधिका श्री निकुंज मंदिर में सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। श्रीपाद को दर्शन हो रहा है, हम भी प्रिया जी के ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन करें, उनको मानसिक प्रणाम करें।
ऐश्वर्य के धरातल पर ही माधुर्य का भवन खड़ा होता है। जिन प्रिया जी का चरणाश्रय लिए हैं, जिन प्रिया जी का सेवा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए विकल हैं, उन प्रिया जी के वैभव का, ऐश्वर्य का, स्वरूप का देख दर्शन इस 51वें श्लोक में आचार्य करा रहे हैं। महान रसिक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की एक वाणी है, उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है, इस समय भावानुकूल है। भाई जी क्या कहते हैं, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी। प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन है, बहुत ध्यान देने योग्य वाणी है भाई जी की। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा, कृष्णा कीरति कुमारी। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमय रस आधार। नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमय रस आधार। परम रसिक रस राजा करशिणी, उज्ज्वल रस की धार। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, हरि प्रिया अहलादिनी हरि की, लीला जीवन मूल। हरि प्रिया अहलादिनी हरि की, लीला जीवन मूल। मोहि बनाय राखु निस दिन निज, मोहि बनाय राखु निस दिन निज, पावन पद की धूल। पावन पद की धूल, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी। आहा, पुरंध्रीणाम चूड़ाभरण नवरत्नम विजयते। ऐसी प्रिया जी जो कृष्ण प्रिया कृष्णग्रत प्राणा है, जो हरि की लीला की मूल है, जो हरि की अहलाद हैं, ऐसी प्रिया जी श्री निकुंज रूप में सर्वोत्कर्ष के साथ सर्व शिरोमणि स्वरूप से श्री निकुंज भवन में विराजमान हैं। आहा, प्रिया जी के स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अब आगे 52वें श्लोक में श्रीपाद कह रहे हैं, आमंद प्रेमांक शलत सकल निर्बंध हृदयम्, दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम्। अलक्षयम् राधाख्यम निखिल निगमैर
पयति तराम रसाम्भोदेह सारं किमपि सुकुमारं विजयते रसाम्भोदेह सारं किमपि सुकुमारं विजयते। श्री कृष्ण प्रेम के प्रबल चिन्ह समूह द्वारा जिनके अंतस के समस्त अन्य आवेश दूर हो गए हैं, जो अपार करुणा की सिंधु स्वरूपा हैं, जिनका दिव्य सौंदर्य मधुर लावण्य से सुललित है, जो सभी वेदों की अलक्ष रूपा हैं, माने वेदों के लिए भी अलक्ष हैं, वह रस सागर सार, वही कोई अनिर्वचनीय सुकुमार श्री राधा नाम से जानने वाली कोई रत्न श्री निकुंज में जैसे युक्त हो रही हैं। पुनः प्रिया जी का जय घोष कर रहे हैं, दर्शन हुआ ना, अब नियम है ना, अब दर्शन करते ही जय जयकार करो। यमुना जी का दर्शन करते ही श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जगन्नाथ जी की ध्वजा दिखते ही श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री धाम का दर्शन करते ही श्री धाम वृंदावन की जय हो। तो दर्शन करके जय करने का नियम है, एक स्वभाव है। तो 51वें श्लोक में श्री निकुंज मंदिर में विराजमान प्रिया जी का दर्शन हुआ और इस 52वें श्लोक में जय जयकार हुई। जय जयकार करने का एक ढंग है आचार्य का, कितने कितने उद्बोधन के साथ में, संबोधनों के साथ में प्रिया जी की जय कह रहे हैं। वह प्रिया जी जो श्री कृष्ण प्रेम के प्रबल चिन्ह समूह द्वारा अंतस के समस्त अन्य आवेश दूर कर चुकी हैं, माने जिनके हृदय में मैं किसकी पुत्री हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरी सखी कौन, माने प्रियतम के अतिरिक्त और कोई भाव जिनके हृदय में बचा नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम के प्रबल चिन्ह समूह द्वारा जिनके अंतस के समस्त अन्य आवेश दूर हो गए हैं, केवल 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 जिनके भीतर श्याम सुंदर ही विराजमान है। इसलिए तो हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, कृष्ण ग्रह स्थिता राधा, राधा ग्रह स्थितो हरि, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। क्योंकि श्याम सुंदर के भीतर प्रिया जी के अतिरिक्त कुछ नहीं और प्रिया जी के भीतर श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो श्री कृष्ण प्रेम के प्रबल चिन्ह समूह द्वारा जिनके अंतस के समस्त अन्य आवेश दूर हो गए हैं और जो अपार करुणा की सिंधु स्वरूपा हैं। सिंधु के विषय में तो 18वें श्लोक में अच्छे से सुन चुके हैं, वह तो सप्त सिंधुवती हैं प्रिया जी, जो अपार करुणा की सिंधु स्वरूपा हैं और जिनका दिव्य सौंदर्य मधुर लावण्य से सुललित है, माने जिनका दिव्य सौंदर्य मधुर लावण्य, माने जैसे मोती के भीतर से एक कांति फूटती है, ऐसे प्रिया जी के दिव्य सौंदर्य से कृष्ण प्रेम की छटा फूटती है, जिनके अंग अंग से कृष्ण प्रेम का विकास होता है, जिनके अंग अंग से ऐसी रूप छटा का निष्कासन होता है जो नंद नंदन को अवश्य किए रहता है, जिनका दिव्य सौंदर्य मधुर लावण्य से सुललित है और जो सभी वेदों के लिए अलक्ष हैं, माने वेद भी जिनका पार पाने में, ऐसा तो नहीं कि वेदों में श्री प्रिया जी नहीं है, हमने प्रतिदिन चर्चा सुनी तो वेदों में कहां कहां प्रिया जी का वर्णन है उसको हमने श्रवण किया, लेकिन जिनका लीला रस सागर, जिनका करुणा सागर, जिनका लावण्य सागर, जिनका वैदग्ध सागर, जिनका अमृत छवि रूप सागर वेदों के लिए भी अलक्ष है, वह प्रिया जी जो रस सागर सार हैं, ऐसी प्रिया जी श्री राधा नाम को धारण करके नित्य वृंदावन निकुंज मंदिर में
जय युक्त हो रही हैं। आहा, किनके द्वारा हो रही हैं जय युक्त? अरे प्रथम तो श्याम सुंदर के द्वारा ही हो रही हैं, फिर अष्ट सखी गण के द्वारा हो रही हैं, फिर समस्त मंजरी किंकरी गण के द्वारा हो रही हैं, फिर समस्त जो ब्रज परिकर है वृंदावन में, तो माता बहनें बड़ा प्रसिद्ध भजन गाती हैं कि चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रज की माताएं खूब गाती हैं, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाला भी बोले राधे, मोहन की मुरली से आवाज आए राधे राधे। तो सर्वत्र प्रिया जी की जय में निमग्न है ऐसी प्रिया जी। ओह, वेद भी, वेद के लिए भी जो अलक्ष्य हैं ऐसी प्रिया जी, क्या वैभव क्या ऐश्वर्य प्रिया जी का कौन वर्णन करे। श्री हरिराम व्यास जी ने अपने एक पद में श्री प्रिया जी के वैभव को गाया है। समझ तो नहीं आ सकता प्रिया जी का दिव्य वैभव, पर गान तो करें कैसा प्रिया जी का वैभव है। श्री हरिराम व्यास जी अपने एक पद में कहते हैं, यह पद रसिकों को बहुत प्रिय है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, नव कुमार चक्र चूड़ा निपति मनि सामरो, राधिका तरुण मणि पट्टरानी, शेष ग्रह आदि वैकुंठ पर्यंत सब लोक थाने त बन राजधानी। शेष ग्रह आदि वैकुंठ पर्यंत सब लोक थाने त बन राजधानी, माने सारे जो दिव्य दिव्य लोक हैं, वह जो श्रीवन राजधानी है उनके थानेत हैं, सेवादार हैं। मेघ छयानवय कोटि बाग सींचत जहां, श्री वृंदावन के प्रिया जी के दिव्य धाम के बागों को कौन सींचता है? वो 96 करोड़ प्रकार के जो मेघ हैं, वह फुलवारी सींचते हैं प्रिया जी के यहाँ। मेघ छयानवय कोटि बाग सींचत जहां, मुक्ति चारों जहां भरत पानी। सारुप्य सायुज्य सालोक्य सामिप्य, ये जो चार मुक्ति हैं ब्रज में पानी भरती हैं वृंदावन में। और क्या वैभव है प्रिया जी का? सूर शशि पाहरू, चंद्रमा और सूर्य, पाहरू माने पहरेदार हैं। सूर शशि पाहरू पवन जन इंदिरा चरण दासी, भाट निगम बानी। सूर्य चंद्रमा तो पहरेदार हैं, पवन जन हैं, निज सेवक हैं, इंदिरा माने वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी जी चरण दासी हैं प्रिया जी की। इंदिरा चरण दासी और भाट निगम बानी। और जो वेद हैं वह प्रिया जी के दरबार में भाट हैं, राजा महाराजाओं के दरबार में भाट होते थे ना, जो यशगान करते थे राजा महाराजाओं का, तो प्रिया जी के यहाँ द्वार पर भाट के रूप में वेद ही विराजमान है। जो प्रिया जी का यश गाने में असमर्थ हैं पर फिर भी विराजमान है भाट के रूप में। और धर्म कुतवाल, धर्म ही कुतवाल है। शुक सुत नारद चारु फिरत चर चार सनकादिक ज्ञानी। ओहो, धर्म कोतवाल के रूप में विराजमान है सुखदेव जी, सूद जी, नारद जी और चार सनकादिक ज्ञानी यहाँ श्री ब्रज मंडल में विचरण करते हैं। सतगुण पौरिया, पौरी का पौरिया सतगुण है। काल बंधुवा, काल तो बंदी बना रखा है। सतगुण पौरिया काल बंधुआ, करम डांडिये काम रति सुख निशानी। जो कर्म है वही डांडी है,
और कामरति सुख निशानी। कामरति तो ओहो क्या कहना, श्याम सुंदर की भ्रकुटी मरोड़ पर कोटि कोटि काम बलि आ रहे हैं, तो कामरति सुख निशानी। कनक मरकत धरनी कुंज कुसुमित महल मधि कमनी शैनी अठानी। आह कैसा दिव्य निकुंज महल का वैभव है, और वहां होता क्या है, अंतिम पंक्ति, पलन बिछुरत दो पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी, नव कुवर चक्र चूड़ा निपति मनि सामरो, राधिका तरुण मणि पट्टरानी। प्रिया जी का कैसा वैभव है, व्यास जी कहते हैं हम वहां सखी स्वरूप से दासी स्वरूप से पीक दानी लिए खड़ी हैं, पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी। इस पद के विषय में कहा जाता है कि अकबर वृंदावन आया, सबका दर्शन करना चाहता था, हरि राम व्यास जी के पास भी गया, सुना था हरि राम व्यास जी बड़े सुंदर सुंदर पद गाते हैं। हरि राम व्यास जी के पास पहुंचा, निवेदन किया, महाराज कुछ कीर्तन सुना दीजिए, कोई पद सुना दीजिए। तब हरि राम व्यास जी ने उस समय अकबर के सामने पद गाया। इतना वैभव वाला पद क्यों गाया, क्योंकि अकबर को अपने वैभव का अभिमान था। तो जब प्रिया प्रियतम के दिव्य धाम का दिव्य वैभव गाया तो बेचारा अकबर तो हतप्रभ हो गया। पूरी रात सत्संग चलता रहा। आखिर में जब व्यास जी ने ये पंक्ति बोली कि पलन बिछुरत को जात नहीं तहां को, और व्यास महलन लिए पीक दानी, जब यह पंक्ति बोली तो अकबर ने कहा कि आपने तो कहा पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी, व्यास आपका नाम है, आप वहां पीक दान लिए खड़े रहते हैं, तो आप तो सारी रात मेरे पास रहे और मुझको कीर्तन सुनाते रहे, तो वहां पर पीक दान लेके कौन खड़ा है जिस धाम की आप बात कर रहे हैं। तो हरि राम व्यास जी के चरित्र में वर्णन है कि तुरंत व्यास जी को लगा, अरे मैं तो इसके साथ सत्संग में रह गया, वहां सेवा में कौन है। उसी समय व्यास जी ने कहा भूल हो गई, ये कहते हुए किशोर वन की ओर दौड़े, सेवा कुंज की ओर दौड़े, तो क्या देखा, अकबर भी पीछे पीछे आया, उसको तो वैभव दिखाना था ना, अकबर भी पीछे आया, तो क्या देखा कि पूरा सेवा कुंज निधिवन किशोर वन प्रिया प्रियतम के मुख की दिव्य पीक से सुगंधायमान हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, जहां तहां पूरे श्रीवन में पीक पड़ी है और दिव्य सुगंध छूट रही है। अकबर तो बावरा हो गया कि पूरे वन में पान की पीक पड़ी है और अत्यंत सुगंधमय। तब व्यास जी के पीछे पीछे आया और व्यास जी से कहा ये क्या है। व्यास जी ने कहा तुम पूछ रहे थे ना, हम पद में गा रहे थे कि पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी, हम वहां पीक दान लिए रहते हैं, तो आज रात तुम्हारे साथ सत्संग में रह गए, पीक दान लेकर न खड़े हो पाए, तो देखो प्रिया प्रियतम ने क्या किया, पीक दान जब लेकर हम न खड़ी हुई सखी स्वरूप से पास में, तो प्रिया प्रियतम ने संपूर्ण वन में ही पीक कर दई। अकबर की तो मति बौर आ गई, पहले तो पद सुन के और फिर दिव्य वैभव को देख करके, और वो तो कुछ ग्रहण न कर पाया पर चला गया। तो ऐसा दिव्य वैभव 52वें श्लोक में श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, उसी वैभव का वर्णन श्री आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने वाणी पद में कर रहे हैं। और अब 53वें पद में लीला की स्फूर्ति हो रही है, 51वें पद में दर्शन हुआ, 52वें पद में प्रिया जी का जय घोष हुआ दर्शन के पश्चात, और अब 53वें पद में लीला की स्फूर्ति हो रही है। यही तो क्रम है, यही तो स्मरण का फल है, यही तो जय घोष का फल है, वह दिव्य रस, वह दिव्य केली,
हृदय में स्फुरित होती है। आहा, अब 53वें पद में एक दिव्य लीला की स्फूर्ति हो रही है। क्या कह रहे हैं श्रीपाद? दुकूलम विभ्राणामथ कुच तटई कंचुकपटम प्रसादम स्वामिन्याह स्वकरतल दत्तम प्रणयतः स्थिताम नित्यम पाशरवे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरी मात्मानं किमीह सुकुमारिं नुक्कलये किशोरी मात्मानं किमीह सुकुमारिं नुक्कलये। आहा, अब लीला की स्फूर्ति हो रही है। क्या कह रही हैं? प्रीतिवश अपनी स्वामिनी के हाथों से दिए हुए प्रसाद स्वरूप पट वस्त्र और कंचुकी धारण करूंगी, कंचुकी धारण करने वाली अपने प्रिया जी के दिए हुए उनके निज कर कमलों से दिए हुए प्रसादी वस्त्र पट वस्त्र कंचुकी को मैं धारण करने वाली नित्य पाशर्व स्थिता नित्य प्रिया जी के निकट विराजमान उन प्रिया जी की विविध परिचर्याओं में रत चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में क्या मैं अपनी गणना करूंगी? क्या मैं अपनी गणना प्रिया जी की सेविकाओं के राधा दासियों के रूप में करूंगी? आहा, एक दिव्य लीला का प्रस्फुटन हो रहा है। एक वैष्णव कभी भी अमनिया नहीं पाता, जो कुछ पाते हैं भोग लगा के पाते हैं ना, केवल भोजन ही प्रसादी नहीं होता, वैष्णव की हर वस्तु प्रसादी होती है। क्या नया कपड़ा सीधे पहन लेंगे? नहीं नहीं, पहले वो वस्त्र युगल के चरणों से स्पर्श होगा, तुलसी स्पर्श करके युगल के चरणों से स्पर्श होगा, निताई गौरांग के चरणों से स्पर्श होगा, फिर आचार्यों के गुरु परंपरा के गुरुदेव को समर्पित होगा, तब तो धारण होगा। सेवक को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, प्रसादी केवल भोजन ही प्रसाद के रूप में नहीं है, हमारे वस्त्र भी प्रसाद के रूप में, कुछ भी वस्तु धारण करते हैं तो वो प्रसादी करके गले में कंठी ऐसे ही धारण कर लेंगे? ना ना, पहले वो कंठी युगल के चरणों से स्पर्श होगी, महाप्रभु जी के चरणों से स्पर्श होगी, फिर सब आचार्यों के कर कमल से गुरुजनों के कर कमल से प्रसादी होकर के कंठ की तुलसी से प्रसादी होकर के धारण होगी। माला माला झोली, वैष्णव कुछ भी अमनिया नहीं ग्रहण करता, प्रसाद ही ग्रहण करता है। चूंकि हम भोक्ता नहीं है, हम भोग्य हैं, भोक्ता तो गोविंद हैं, श्री जी हैं, तो मंजरी अपने स्वरूप का परिचय दे रही है। प्रीतिवश जिन स्वामिनी जी ने प्रीतिवश अपने हाथों से अपनी मंजरी को अपनी दासी को अपने प्रसादी वस्त्र दिए हैं, प्रसाद स्वरूप पट वस्त्र और प्रिया जी की ही प्रसादी कंचुकी। आहा, जिस कंचुकी में प्रिया जी की अंगगंध तो है ही, प्रिया जी के हृदय के भीतर जो अनंत अनंत गोविंद के प्रति प्रेम सागर है, उस प्रेम की गंध से भी तो वह कंचुकी आप्लावित है, सुगंधित है। वह प्रिया जी की दिव्य कंचुकी अंगिया, वह द्रिया प्रिया जी की दिव्य साड़ी, वह प्रिया जी की दिव्य चुनरी, वह पट वस्त्र महाभागवान आचार्य श्रीपाद को मंजरी स्वरूप से प्राप्त हो रहे हैं। वह मंजरी नित्य पाशर्व में स्थित है और उनकी विविध परिचर्याओं में रत है, कामना कर रही हैं,
माने प्रिया जी दिव्य वस्त्र प्रदान कर रही हैं, प्रिया जी के ही प्रसादी दिव्य वस्त्र आभूषणों को वह भगवान दासी मंजरी धारण कर रही है। लेकिन ये लोभ ऐसा है, थमता नहीं। प्रसादी वस्त्र प्राप्त हो गए, प्रसादी कंचुकी, प्रसादी आभूषण प्राप्त हो गए, वह नित्य प्रिया जी के निकट भी स्थित है, पर लोभ नहीं जाता। भावना कर रहे हैं, विविध परिचर्याओं में रत चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में क्या मैं अपनी गणना करूंगी, यह सदा सदा मुझे सेवा सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरा तन प्रसादी होगा, मेरा मन प्रसादी होगा, मेरा रोम रोम प्रसादी होगा, मेरे तट पर प्रिया, मेरे अंग पर प्रिया जी के ही प्रसादी वस्त्र होंगे, मेरी वेणी में प्रिया जी के ही चरणों के प्रसादी पुष्प होंगे, मेरे अंगों पर प्रिया जी के ही प्रसादी आभूषण होंगे, मैं निरंतर निरंतर प्रिया जी के निकट विराजमान रह करके विविध सेवाओं में परम निपुण। भले गुरुदेव मंजरी को कोई एक सेवा बताते हो, अनुगत सिद्ध प्रणाली देते समय अपनी एक सेवा बताते हो, मंजरी की एक सेवा बताते हो, पर ऐसी नहीं, प्रिया जी की विविध परिचर्याओं में निपुण है, यहां कह रहे हैं ना, विविध विविध परिचर्यिक चतुराम, विविध परिचर्याओं में चतुर वह मंजरी आचार्य निवेदन कर रहे हैं। साधक आवेश में मैं प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित, प्रिया जी के अत्यंत निकट विराजमान होकर प्रिया जी को विविध अपनी सेवाओं के द्वारा संतुष्ट करते हुए चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में क्या श्री प्रिया जी का सेवा सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगी, क्या श्री प्रिया जी की दासियों में अपनी गणना करवा पाऊंगी, क्या प्रिया जी की चरण कमल सेवा का वह मंजरी किंकरी पद प्राप्त कर पाऊंगी, ये भावना है, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना करनी होगी। हे प्रिया जी, बलि बलि जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन के शरण बलि बलि जाऊं राधा मोहि रहन दे, वृंदावन के शरण मो को ठौर न और कहूँ, मो को ठौर न और कहूँ, अब सेऊंगी ये चरण बलि बलि जाऊं राधा मोहि रहन दे, मोहि रहन दे वृंदावन के शरण, मोकू ठोर न और कहूँ, अब सेऊंगी ये चरण। और क्या करेंगी, हरिराम व्यास जी की वाणी है, सहचरी हुए तेरी सेवा करी हों, पहिराऊं आभरण अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन देखो केली बेली मंदिर में, सुनि किंकिनी रव श्रवण दीजे बेगी व्यास को यह सुख, दीजे बेगी व्यास को यह सुख, जहां न जीवन मरण बलि बलि जाऊं श्री राधा मोहि रहन दियो, वृंदावन के शरण सहचरी है तेरी सेवा करी हो, पहराऊं आभरण अब से उंगी तेरे चरण, रहन दो वृंदावन के
शरण दीजे बेगी व्यास को यह सुख जहां न जीवन मरण मोहि रहन दो वृंदावन के शरण बलिहार। प्रिया जी के दिव्य प्रसादी वस्त्र आभूषण कंचुकी इत्यादि धारण करके प्रिया जी के निकट विराजमान होकर उनकी विविध सेवाओं में रत चतुर सुकुमारी किशोरी मंजरी के स्वरूप में मेरी गणना कब होगी, मुझे प्रिया जी का वह दिव्य शोभा सौभाग्य कब प्राप्त होगा। और बंधुओं, जब ऐसी प्रार्थना की ना तो सेवा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा क्या? अवश्य सेवा सौभाग्य प्राप्त होगा। अब 54वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, विचिनवंति केशान कवचन कर जईह कंचुकपटम कवचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलशयोः सुगुल्फे नश्यन्ती कवचन मणिमंजीर युगलम कदा श्याम श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यः महो कदा श्याम श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यः महो। हे श्री राधे, मैं आपके केश पाश को नखों से अलग करते हुए कभी स्वर्ण कलशाकार आपके स्तन मंडलों से भीगी कंचुकी मंगल करके सूखी स्वच्छ कंचुकी धारण कराते हुए कभी आपके श्री चरणों में मणि मंजीर मणियों से अलंकृत वह नूपुर वह पायल पहनाते हुए आपका सेवा सौभाग्य प्राप्त करूंगी, आपकी सुपरिचारिका बनूंगी, ऐसा सौभाग्य मुझको कब प्राप्त होगा। बंधुओं, 53वें श्लोक में प्रार्थना और 54वें श्लोक में भी लग रहा है कि प्रार्थना है, पर प्रार्थना के पीछे एक बहुत बड़ी लीला है। विचिनवंति केशान कवचन कर जई कंचुक पटम, बहुत बड़ी लीला है। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, मैं आपके केश पाशों को नख से अलग करते हुए, ये केश पाश को नखों से अलग करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अब लीला राज्य में उतरना होगा लीला राज्य में। ये केश पाश उलझे क्यों हैं? आहा, प्रार्थना करते करते श्रीपाद के नेत्रों के सामने वह दिव्य निभृत निकुंज का निगुण विलास प्रकट हो गया है, जहां प्रियतम प्रिया जी अत्यंत अत्यंत गाढ़ विलास में रत हैं। आहा, अत्यंत अत्यंत रूप से वह प्रेम के खिलौने वह रस के खिलौने खेल रहे हैं, और मंजरी गण कुंज रंध्र से उस लीला विलास का अवलोकन कर रही हैं। पर बलिहार अवलोकन कर रही हैं, लेकिन अवलोकन करते करते ये भी ध्यान है कहीं कोई रस विलास में बाधा तो नहीं। दर्शन करते करते मन में आया कि बार बार प्रिया प्रियतम का रस विलास ठहरता है, बार बार रस विलास में कोई 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 रुकावट आ रही है। मंजरी ने ध्यान पूर्वक देखा, अरे ये तो परम चतुर शिरोमणि सुकुमारी किशोरी है ना, जान गई और निसंकोच भाव से
जिस अत्यंत निगुड़ विलास के समय ललितादि सखियों का प्रवेश भी नहीं है, उस समय महा महा भगवान हमारी रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, चंपक मंजरी, इन मंजरी गण का प्रवेश है। तभी तो श्री गुरुजनों ने रूप सनातन गोस्वामी पाद का दास बनाया है। इन रूप मंजरी लवंग मंजरी जी का अनुगत्य ही निकुंज में जाने का एकमात्र रास्ता है, कोई और नहीं। प्रिया प्रीतम दिव्य विलास में रत हैं, मंजरी दर्शन कर रही है कुंज रंध्र से। दर्शन करते करते जान लिया केवल दर्शन का सुख नहीं, उस दर्शन के सुख में भी, उस लीला अवलोकन में भी दासी सेवा खोज लेती है। देखा बार बार विलास रस कुछ कुछ बद्ध हो रहा है। जान गई किंकरी दर्शन करते करते, अरे विलास में रत प्रिया प्रियतम के केश उलझे हैं। और प्रिया प्रियतम रात्रि विलास में नहीं जान पा रहे, ये अवरोध क्यों है? जिस अवरोध को प्रिया प्रियतम स्वयं नहीं जान पा रहे, ओहो उस अवरोध को उस धन्यवाद उस प्रिया जी के भाव में तादात्म को प्राप्त उस मंजरी ने जान लिया और उसी समय निसंकोच भाव से निवृत्त निकुंज में प्रवेश किया। और लीला में रत विलास में रत श्यामा श्याम के किस विधि से अपने नखों के द्वारा धीरे धीरे जो केश उलझ गए थे झटपट उन केशों को सुलझा दिया। और उन केश सुलझाने का क्या परिणाम हुआ कि बार बार जो लीला विलास में बाधा हो रही थी वह बाधा दूर हो गई और स्वच्छंद रूप से दिव्य विहार घटित होने लग गया। आहा धन्य है इन किंकरी मंजरियों की सेवा। केश पाश को नखों से अलग किया, दिव्य रूप में विलास घटित हुआ। फिर कुंजरंध्रों के द्वारा अवलोकन, वह अवलोकन अवलोकन के लिए तो है, वह अवलोकन इसलिए भी है कि किस समय कौन सी भाव अनुकूल सेवा की आवश्यकता हो तो मैं झटपट जाकर के सेवा संपादित कर दूं। केशों से केशों की उलझन को नखों के द्वारा दूर कर दिया, केशों को सुलझा दिया, दिव्य रूप में विलास संपादित हुआ। और जब विलास का अवसान हुआ, प्रिया प्रियतम श्रमित होकर विराजमान है, सवेरा हो गया है, कुंज भंग का समय हो गया, मंगला का समय हो गया। प्रियतम नंदालय को पधारे, अब मंजरियों ने प्रिया जी को घेरा है, सब सेवा में लगी हैं। देखे श्री प्रिया जी के श्री अंग स्वेद से भरे हैं। ओहो उस समय चतुर मंजरी ने जो प्रिया जी की कंचुकी स्वेद से भीग गई थी, उस कंचुकी को कैसे प्रथम तो मंगल किया और फिर कैसे नई कंचुकी जो एकदम इत्र से सराबोर थी, प्रियतम की अंग गंध से सराबोर थी, ऐसे उस लीला विलास के समय की गीली कंचुकी को मंगल करके नवीन कंचुकी धारण करा दी। और उसी समय प्रिया जी के चरणों की ओर दृष्टि गई, मंजरी को प्रिया जी के चरण बहुत प्यारे हैं, धन धन राधिका के चरण बहुत प्यारे हैं, चरण कमल। बार बार मंजरी की दृष्टि प्रिया जी के चरण कमलों पर जाती है। तो पहले प्रिया जी को कंचुकी धराए, चुनरी ठीक किए, वस्त्र व्यवस्थित किए, श्रृंगार व्यवस्थित किए, चोटी गूंथ दिए। और अब जब चरणों की प्रति दृष्टि गई तो क्या देखा कि प्रिया जी की वह पायल अपने स्थान से स्थगित है। तब उस मणि मंजीर को प्रिया जी के चरणों में शिपात मंजरी स्वरूप से पहना ही रहे थे कि उसी समय वह पायल पहनाते पहनाते प्रिया जी के चरण सौंदर्य पर ऐसा मन लगा कि कब तक प्रिया जी के चरण नख का सौंदर्य देखती रही पता नहीं। और उसी समय कुछ देर के लिए वह लीला रसभंग हो गया। और जैसे लीला रसभंग हो गया उसी समय श्रीपाद के मुख से फूटा, कदा श्याम श्री राधे, कदा श्याम श्री राधे, तब सुपरिचारिण्य मो, मैं कब आपकी सेविका बनूंगी। आपके चरणों में वह मणियों से युक्त नूपुर धारण कराते हुए मुझे कब आपका परिचर्य सुख प्राप्त होगा।
मुझे कब आपका सेवा सुख प्राप्त होगा। बंधुओं, एक दासी तो यही चाहती है, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी, निज कर कमल धर मस्तक पर, श्री वृंदावन में बसावोगी, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, कबलों मोहि दिखावोगी, अली किशोरी नाम साचो कर, रसिकन माए मिलावोगी, किशोरी मोहे कब अपनावोगी। यह अभिलाषा निरंतर मंजरी के हृदय में चलती है। वह कहती हैं, श्रीवन निकुंजन में प्रीतम के संग प्यारी, ब्रज रसिकों की वाणियां हैं, श्रीवन निकुंजन में प्रीतम के संग प्यारी, चाह भरी दीन दासी दरस दिखाओगी, और माल जुही लाऊं पहराऊं हर्षाऊं तब, जब मैं माला पिरो के लाऊंगी, माल जुही लाऊं पहराऊं हर्षाऊं तब, निज कर पल्लव को शीश पे धराओगी, नीर भर लावोरी। आप मुझे आज्ञा करोगी क्या? नीर भर लावोरी पिवावो हमें आय धाय, लाल बलबीर दासी टेरयों बुलावोगी, और कौन मेरो तेरी चेरी हूँ मैं गोरी बोरी, और कौन मेरो तेरी चेरी हूँ मैं गोरी भोरी, हा हा श्री किशोरी मोई कब अपनाओगी, हा हा श्री किशोरी मोही कब अपनाओगी, चाह भरी दीन दासी दरस दिखाओगी, निज कर पल्लव को शीश पे धराओगी, और कौन मेरो तेरी चेरी हूँ मैं गोरी भोरी, हा हसी किशोरी मोई कब अपनाओगी, चाह भरी दीन दासी दरस दिखावोगी, हा हसी किशोरी मोहे कब अपनाओगी। बलिहार, तो नखों से केश पाश को दूर किया, विलास के विश्राम में प्रिया जी के वस्त्र ठीक किए, प्रिया जी को कंचुकी मंगल करके नई कंचुकी धारण कराई, और प्रिया जी के चरणों में नूपुर पहना रहे थे श्रीपाद मंजरी स्वरूप से। तब लीला में विराम हुआ तो यही आर्त निकला कि कब आपके चरणों में पायल पहनाऊंगी, कब आपको श्री वस्त्र धराऊंगी, कब आपका मैं सेवा सौभाग्य प्राप्त करूंगी। निरंतर निरंतर लीला का निर्झर फूट रहा है बंधुओं, और उसी प्रवाह में अब आगे 55वें श्लोक में श्रीपाद कह रहे हैं, अति स्नेहा दुच्चैरपि च हरिनामानि
गृणतस्तथा सौगंधा द्यैर्बहुभिः रूपचारैश्च यजतः परानन्दं वृन्दावनमनुचरन्तं च दधतो मनोमिराधायाः पदमृदुल्पदमे निवसतु मनो मे राधाया पदमृदुल्पदमे निवसतु। बलिहार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, साधक आवेश में विराजमान है, पर धन्य है, लीला आवेश में होते हैं, स्वरूप के आवेश में होते हैं तो सेवा संपादित करते हैं, और यदि साधक आवेश में हो जाते हैं तो कहीं अन्यत्र मन नहीं जाता, हाहाकार चित्त कर उठता है। इस 55वें श्लोक में वही हाहाकार है, वही हाहाकार है। हम वैष्णवों के लिए सबसे अधिक प्रयोजन तो इस हाहाकार से है, इस आर्तनाद से, इस निवेदन से हम वैष्णवों का अधिक प्रयोजन है। क्या कह रहे हैं 55वें श्लोक में, हे प्रिया जी, अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते करते तथा बहुत से सुगंधित उपचारों द्वारा अर्चना करते हुए वृंदावन में अनुचरणशील परमानंदित मेरा मन श्री राधा के मृदुल पाद पद्मों में सदा अवस्थान करे, मेरा मन सदा अवस्थान करे, मेरा मन सदा अवस्थान करे। अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते हुए साधक आवेश में है, वृंदावन वास की विधि बता रहे हैं। प्रिया जी के मृदुल पाद पद्मों में चित्त की स्थिति कैसे बनती है, उस स्थित तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं। उसमें पहला उपाय अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम का गायन, अत्यंत उच्च स्वर से नाम का गायन करना होगा, निताई गौरांग के श्री राधा माधव के दिव्य नाम को पुकारना होगा। अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते हुए बंधुओं, श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। हम जानते हैं उस 64 अंगों में मुख्य रूप से 5 अंग कहे हैं, 64 अंग भी मुख्य हैं, पर शायद हम कलयुगी जीवों की दशा देखकर उन 64 में अति मुख्य 5 अंग कहे हैं। लाख अंग हरि भक्ति के 64 महाप्रकाश, ताहू में पुनि 5 कही कहो एक मनवास। तो वह 5 अंग कौन कौन से हैं, उनमें प्रथम मुख्य अंग है श्री नाम आश्रय। नाम आश्रय, दूसरा धाम आश्रय, तीसरा श्री विग्रह सेवा आश्रय, चौथा श्री ग्रंथ आश्रय, और पांचवा सबके मूल में श्री गुरुपद सेवा आश्रय। ये 5 आश्रय मुख्य हैं, गुरुपद आश्रय, नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और श्री ग्रंथ आश्रय। यह 5 आश्रय प्रबल रूप में ग्रहण करने होंगे। गुरुपादाश्रय से तो सारी बात प्रारंभ होती है, पर यहां गुरुपादाश्रय से एक अर्थ और है कि दीक्षित तो हो गए, आश्रय तो ले लिया, अब यदि यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि प्रगट रूप में भी सदैव गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो,
ऐसा सौभाग्य यदि प्राप्त हो या जितने समय जितने दिन जितने क्षण के लिए प्राप्त हो, तो जैसे एक भ्रमर कमल का मधुपान करता है, ऐसे गुरुदेव का संग लाभ करना होता है। गुरुदेव के संग लाभ, गुरुदेव के सत्संग लाभ से बड़ा और कोई कृपा प्राप्ति का उपाय नहीं है। तो ये पांच आश्रय, गुरुपद सेवा आश्रय, उसमें गुरुदेव की मनोनुकूल सेवा करना, तन मन धन से गुरुदेव की सेवा करना, गुरुदेव का सत्संग श्रवण करना, इस देह के द्वारा भी जितना गुरुदेव का संग हो उतना करना, और गुरुपद सेवा में सबसे बड़ी जो बात है, मन से गुरुदेव का संग करना। अनेक बार तन मन धन से भी सेवा कर दिए, शरीर से भी गुरुदेव का संग बहुत मिला, लेकिन मन से गुरुदेव का संग नहीं किया, तो महान वंचना हो जाती है। अनेक बार देखा जाता है महापुरुषों के अत्यंत निकट रहने वाले लोग एकदम खाली रह जाते हैं। उसका कारण होता है कि महापुरुष के पास रहकर अपराध होने लग जाते हैं, उनमें असूया का भाव होने लग जाता है, समानता का भाव होने लग जाता है। तो गुरुपद आश्रय, गुरु सेवा आश्रय, और उस गुरुपद सेवा आश्रय के फल स्वरूप नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय, ग्रंथ आश्रय, श्री गुरुदेव का हृदय से तो सदैव आश्रय ग्रहण करना है। यदि शरीर से सदैव गुरु के निकट नहीं रह पा रहे, गुरु सानिध्य में नहीं रह पा रहे, तो मन के द्वारा गुरुदेव का सानिध्य लेते हुए ये चार आश्रय अत्यंत प्रबल रूप में करने हैं। नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और ग्रंथ आश्रय। गुरु आनुगत्य में ये चार आश्रय यदि प्रबलता पूर्वक किए तो ये 55वां श्लोक प्रमाण है। यदि इन चार आश्रय को प्रबलता पूर्वक किया, सच्चाई के साथ किया, गुरुदेव के आनुगत्य में, नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और श्री ग्रंथ का आश्रय माने सत्संग का आश्रय, तो प्रिया जी के मृदुल पाद पद्म हमारे हृदय में अवश्य स्फुरित होंगे। मनो में राधायाः पद मृदुल पद में निवसतु, अवश्य हमारा प्रिया जी के पाद पद्म सेवा में अवस्थान होगा। पर अपने को साधन के विषय में सोचना है तो गुरु आनुगत्य में चार आश्रय, और कोई कहे चार में से कुछ कम करो, नहीं हो पा रहे चार, तो चार में से अगर कुछ कम करना हो तो हर वैष्णव की अलग अलग रुचि है, सभी जरूरी हैं, पर नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और श्री ग्रंथ आश्रय, इनमें से कोई तीन उठाने हो तो नाम आश्रय, धाम आश्रय और ग्रंथ आश्रय माने सत्संग आश्रय को ले ले। ये तीन भी न निभ रहे हो तो नाम आश्रय और ग्रंथ आश्रय को ले ले। और कुछ भी न हो रहा हो हम जैसे अधम प्राणी से, तो नाम आश्रय, नाम आश्रय, नाम आश्रय, नाम नामी से मिला देगा, अब तो कोई बाधा नहीं ना। अपने व्यापार में, परिवार में, संसार में जहां है, अपनी जीवा को यंत्र बनाना होगा, अपने सांसों को ही माला बनाना होगा। तुलसी माला की बहुत महिमा है, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त तुलसी माला की बहुत महिमा है, पर वैष्णव जनों आवेश केवल संख्या पूर्ति में न रह जाए, उस तुलसी माला के साथ इतना नाम जपना है कि श्वासों की माला पर श्री हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारित होने लगे, श्वास श्वास पर हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारित होने लगे, इस स्थिति को प्राप्त करना है। यह नाम आश्रय कितना ऊंचा है, श्री कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं।
भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। श्री चैतन्य चरितामृत की वाणी है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। सरल है, भजन में नवविधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें भी कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। नवधा भक्ति की बहुत महिमा है, पर उस नवधा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तार मध्य नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले जीव पाए प्रेम दान। निरपराधे नाम लैले जीव पाय प्रेम दान। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नवधा भक्ति अत्यंत उत्तम, पर उस नवधा भक्ति में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या कहते हैं, बहुत अच्छा उपाय बताते हैं राधा माधव दोनों को राजी करने का। क्या बहुत सुंदर पंक्ति है प्रेम भक्ति चंद्रिका की, बड़ी प्रिय लगती है नरोत्तम दास ठाकुर जी की पंक्ति। क्या कहते हैं? कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। कृष्ण नाम गाओ राधिका चरण पाओ, और राधा नाम गाओ तो किसको पाओ? बोले कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, कृष्ण नाम गाइए प्रिया जी के चरण पाइए, राधा नाम गाइए श्याम सुंदर के चरण पाइए। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपे कहिल कथा घुचाओ मनेर व्यथा दुखमय अन्य कथा द्वंद। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं इस एक पंक्ति में मैंने सारी बात कह दी। संक्षेप कही लो कथा घुचाओ मनेर व्यथा, सारी मन की व्यथा को दूर कर दो, इस बात को छोड़ के नामगान को छोड़ के दुखमय अन्य कथा द्वंद, और कोई बात सब दुखमय है। वह कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, कितना सुंदर उपाय। कृष्ण नाम गाइए प्रिया जी के चरण पाइए, प्रिया जी का नाम गाइए तो कृष्ण चरण पाइए, और दोनों के चरण चाहिए तो दोनों का नाम गाना होगा, दोनों का नाम जपना होगा। तभी तो गुरुदेव महामंत्र जप की आज्ञा करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे माने श्री जी, राधा कृष्ण माने श्याम सुंदर। हम लोग सुनते हैं ना यह कैसे यह श्लोक निकुंज में प्रकट हुआ है, अभी आगे भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस महामंत्र में प्रिया प्रियतम दोनों का नाम है, और यह नाम अभी कहा ना, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। कृष्ण नाम गाएंगे प्रिया जी प्रसन्न होंगी, श्री राधा प्रसन्न होंगी, श्री राधा नाम गाएंगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। अब सोच लें किसे प्रसन्न करना है, प्रिया जी को प्रसन्न करना तो कृष्ण नाम गाइए, और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना तो राधा नाम गाई, और दोनों को प्रसन्न करना तो राधा कृष्ण माने हरे कृष्ण नाम को जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए। इसीलिए और सब प्रभु हमारे गौरांग महाप्रभु, और सब मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। बंधुओं और सब प्रसाद हमारे श्री जगन्नाथ जी का माने राधा प्रेम में विगलित श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण में प्रेम में विगलित श्री राधा का प्रसाद महाप्रसाद, इसको महाप्रभु जी ने पाया और पवाया। तो नाम आश्रय अवश्य, लेकिन यहां तो श्रीपाद कह रहे हैं
अति स्नेहा दुच्चैरपी च हरिनामानी। धीरे से नहीं, अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम का गायन करना है। श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग में, हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जब उनको कहा गया ना ये चीख चीख के जोर जोर से नाम क्यों बोल रहे हो, तो हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा, श्री चैतन्य चरितामृत के पयार हैं, श्री हरिदास ठाकुर जी की वाणी है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जपिले से कृष्ण नाम आपनी से तरे। यदि कोई भगवान नाम को केवल जपे, जपिले से कृष्ण नाम आपने से तरे और उच्च संकीर्तने परोपकार करे। केवल स्वयं नाम जपे तो अपना कल्याण, और जोर से नाम पुकारे हा राधा हा कृष्ण हा निताय हा गौरांग निताय गौराधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौराधेश्याम हरे कृष्ण हरे राम, तो क्या होगा, बोले जपिले से कृष्ण नाम आपनी से तरे उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। उच्च संकीर्तन से पर उपकार होता है कैसे, बोले अतएव उच्च करी कीर्तन करिले शतगुण फल है सर्व शास्त्रे बले। इसलिए मैं उच्च स्वर से नाम उच्चारण कर रहा हूं, क्यों, कीट पतंग जड़ चेतन सब नाम सुन करके प्रसन्न होते हैं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं जिहवा पाई आओ नर बिने सर्व प्राणी ना पारे बलिते कृष्ण नाम हेन ध्वनि। यदि ये नर देह पाकर उच्च स्वर से कृष्ण नाम ग्रहण नहीं किया तो व्यर्थ जन्म इहारा निस्तरे जहां हईते बल देखी कौन दोष से कर्म करिते। जन्म व्यर्थ चला जाएगा, केहो आप नारे मात्र करे पोषण केहो वा पोषण करे सहस्त्रेक जन। श्री हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ जो केवल अपना पेट भरे वह ठीक या जो अनेकों का हजारों का पेट भरे वह ठीक, माने अकेले ग्रंथ पाठ कर लिए एकांत में बैठ करके तो ज्यादा उचित नहीं, और ग्रंथ पाठ करके भाव से स्वर से हजारों लाखों को सुना दिया तो इससे राधा गोविंद बहुत प्रसन्न हो। तो हम जो आपको पाठ सुना रहे हैं कोई आप पर कृपा नहीं कर रहे, अपने पर कृपा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पाठ तो करना था ग्रंथ का लेकिन स्वयं पाठ हो गया और आपको सुनाने के बहाने से अवश्य राधा गोविंद की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि यह पाठ आप सबके हृदय को सुख प्रदान कर रहा है, यह नाम आप सबके हृदय को सुख प्रदान कर रहा है, तो बस मेहनत सफल हो गई, यह चीखना बोलना सफल हो गया, राधा गोविंद की बड़ी उत्तम सेवा हो गई। श्री हरिदास ठाकुर जी की वाणी है केहो आप नारे मात्र करे पोषण केहो वा पोषण करे सहस्रेक जन। दुई के दुई ते के बड़ भावी बुझो आपने ए अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। श्री चैतन्य भागवत में दिव्य वर्णन है, आह तो अति स्नेह पूर्ण होकर उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते करते, उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते करते तथा बहुत से सुगंधित उपचारों द्वारा अर्चन करते हुए, तो नाम आश्रय और सुगंधित उपचारों से अर्चन किनका करेंगे, श्री विग्रह सेवा में ही तो अर्चना होगी ना, तो श्री विग्रह आश्रय विग्रह सेवा आश्रय बहुत से सुगंधित उपचारों द्वारा अर्चन करते हुए और वृंदावन में अनुचरणशील श्री वृंदावन का आश्रय, माने पांच में से तीन आश्रय श्रीपाद विशेष रूप से क्योंकि स्वयं उन्होंने किए हैं। अति स्नेह पूर्ण पूर्वक उच्च स्वर से हरिनाम का गायन, अत्यंत दिव्य उपचारों के द्वारा श्री विग्रह सेवा और श्री वृंदावन में वास ब्रजवास, लाख अंग हरि भक्ति के 64 महाप्रकाश और ताहू में पुनि पांच कही कहो एक मनवास, तो वृंदावन में अनुचरणशील रहना होगा। ओहो भावना कर रहे हैं कब स्नेह पूर्वक उच्च स्वर से नाम गाते गाते, कब आपके श्री विग्रह की प्रेम पूर्वक सेवा करते करते वृंदावन में अनुचरणशील परमानंदित मेरा मन श्री राधिका के मृदुल पाद पद्मों में सदा अवस्थान करेगा, कब मेरा मन। तो बंधुओं
नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और श्री ग्रंथ आश्रय। अब ग्रंथ तो श्रीपाद स्वयं लिख ही रहे हैं, ये चार आश्रय प्रत्येक वैष्णव को करने हैं। गुरु अनुगत्य में, उसमें प्रकट में भी, प्रत्यक्ष में भी गुरु आश्रय हो जाए तो कहने ही क्या, पर प्रकट में भी गुरु आश्रय नहीं होता है तो नाम आश्रय, धाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और श्री ग्रंथ आश्रय माने सत्संग का आश्रय, ये चार भी न हो पाए तो नाम आश्रय, श्री विग्रह सेवा आश्रय और सत्संग आश्रय माने ग्रंथ आश्रय, ये तीन भी न हो पाए तो नाम आश्रय, सेवा आश्रय दो भी न हो पाए तो अंत में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम का आश्रय ग्रहण करना होगा। तो बंधुओं, उच्च स्वर से हरि नाम गायन करते करते दिव्य उपचारों के द्वारा श्री विग्रह सेवा साक्षात प्रिया प्रियतम मान के सेवा करते हुए और श्री वृंदावन वास करते हुए यह मेरा मन कब श्री राधा युगल चरणों में अवस्थान करेगा, यह मेरा मन कब प्रिया जी के चरण कमलों का भ्रमर बन के प्रिया जी के चरण कमल रूप मकरंद का पान करेगा, ऐसी श्रीपाद श्री प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आह, और इस प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ, इस प्रार्थना का परिणाम यह हुआ बंधुओं कि पुनः श्रीपाद के हृदय में लीला की स्फूर्ति हो गई और उनके मुख से 56वां श्लोक फूट पड़ा। निज प्राणैश्वर्या यदपि दयनीये यमिति मां मुहुः चुम्बत्या लिङ्गति सुरत माधव्या मदयति विचित्रां स्नेहरधि रचयति तथाप्यद्भुतगते इस्तवैव श्रीराधे पदरसविलासे मम मनः, इस्तवैव श्रीराधे पदरसविलासे मम मनः। बलिहार, लीला की स्फूर्ति हो रही है। हे श्री राधे, इस दासी को अपनी प्राणेश्वरी की दया की पात्र जानकर नागरराज श्री कृष्ण कभी स्नेह पूर्वक चूमना चाह रहे हैं, आलिंगन करना चाह रहे हैं, सुरत मद से उन्मादित करना चाह रहे हैं, विचित्र स्नेह संपत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जी अद्भुत गति आपके पदरस विलास में ही मेरा मन निविष्ट है। अब लीला राज्य में उतरना होगा। 55वें श्लोक में वृंदावन के भाव का अनुसरण किए ना, वृंदावन का भाव, श्री वृंदावन वास करते हुए नाम गान करते हुए निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, कुंजन सघन मनोहर बिहरत राधा मोहन, ओ निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, कुंजन अति सघन है तुलसी के वन मनोहर,
हंसों की जोरी खेले श्री जमुन जल के ऊपर, श्री जमुन जल के ऊपर बहती रहती है तहां मदमाती मधुर पवन, निरखहु मन बृंदावन, निरखहु मन बृंदावन। श्री धाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य अंतिम, श्री धाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य अंतिम, करनी है कामनायक श्री धाम की ही हर दिन, श्री धाम की ही हर दिन। रहना कैसे है? मुख नाम नयन झांकी, मुख नाम नयन झांकी, अहिय में लीला चिंतन ओ, निरखहु मन बृंदावन, निरखहु मन बृंदावन। श्री धाम कृपा की जय, लीनी है शरण तोरी, मुझको भी दिखा दीजिए राधा गोविंद जोरी, राधा गोविंद जोरी। बलि गौर दास जाऊं, बलि 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 गौर दास जाऊं, मोहि कर राखो रजकन ओ, निरखहु मन बृंदावन, निरखहु मन बृंदावन। ढूंढो 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 मन यहाँ, ढूंढो 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 श्री राधा संग मोहन आ, निरखहु मन बृंदावन आ, निरखहु मन बृंदावन। 55वें श्लोक में श्रीपाद उच्च स्वर से नाम गान करते हुए श्री वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, उनको श्री प्रिया जी के चरण कमल मिल गए थे। हम भी नाम का आश्रय लेकर के प्रिया जी के भरोसे धाम में पड़े रहेंगे तो एक बार यह धाम हम पर अवश्य कृपा करेंगे, हमको धामी का अनुभव करवाएंगे। यही श्रीपाद के साथ हुआ, नाम का उच्च स्वर से गान करते हुए धाम का आश्रय ग्रहण किया। उसी समय हृदय में लीला जागृत हो गई, पुनः जिस निबिड़ विलास का दर्शन कर रहे थे वह निबिड़ विलास पुनः प्रकट हो गया।
श्री प्रिया प्रियतम आलिंगन बद्ध होकर के रास रस विलास में प्रवृत्त हैं, और मंजरी स्वरूप से श्रीपाद ने इतनी अनुकूल इतनी अनुकूल इतनी अनुकूल सेवा की कि प्रिया जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, और वह तो बार बार अपनी मंजरियों को जैसे माँ बेटी को गले से लगाती है ऐसे इतने, तभी तो प्रिया जी वात्सल्य सिंधु हैं, ऐसे प्रिया जी बार बार अपनी सखी मंजरियों को हृदय से लगा करके कभी चुम्बन कभी आलिंगन दान करती हैं। पर आज प्रिया जी को एक दिव्य इच्छा जागृत हुई, स्वयं तो उन्होंने मंजरी को लाड़ चाव किया, भ्रकुटी के संकेत से प्रियतम को कहा आप भी प्यार करिए ना इसको। तब प्रियतम भी प्रिया जी की इच्छा से उस मंजरी को चूमना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं, हृदय से लगाना चाहते हैं, लेकिन धन्य वह किंकरी, धन्य है वह मंजरी, अरे उसका नाम भी मंजरी है, वह स्वभाव से भी मंजरी है, जैसे पुष्प के ऊपर मंजरी आती है ना, पर मंजरी पर कभी भ्रमर नहीं बैठता, भ्रमर तो पुष्प पर बैठता है, मंजरी का क्या काम होता है, मंजरी का कार्य होता है भ्रमर को आकर्षित करना, मंजरी कभी ये नहीं चाहती कि भ्रमर मुझ पर बैठे, भ्रमर पुष्प पर बैठे, पुष्प के पराग का पान करे, मंजरी आकर्षित करती है भ्रमर को। ऐसे ही दिव्य निकुंज मंदिर में यह मंजरी गण तो लालन को लली की ओर आकर्षित करती हैं, लालन भ्रमर हैं, प्रिया जी कुसुम है, दिव्य कुसुम है, दिव्य कमल है, तो श्याम सुंदर प्रिया जी की आज्ञा इच्छा से प्रेम करना चाहते हैं, पर उस मंजरी को बहुत अनुकूल नहीं हो रहा, श्याम सुंदर स्नेह करना चाहते हैं पर वह मंजरी अद्भुत गति, वह मंजरी कहती है प्रिया जी मेरा हृदय तो मेरा मन तो आपके पदरस विलास में ही आविष्ट है, प्रियतम मुझे स्नेह करें ये मुझे प्रिय नहीं, प्रियतम आपके साथ विलास करें और हम सेवा संपादित करें, इसी में हमारा सौभाग्य है। इस तवैव श्रीराधे पदरस विलासे मम मनः, हे प्रिया जी आपके चरण कमल में मेरा मन विलास करे। श्री ललित किशोरी जी का तो पद है, मैं दासी अपनी राधा की करत खवासी जो रुचि पावत, मैं दासी अपनी राधा की करत खवासी जो रुचि पावत, और सूधे वचन ना बोलत सपने हूँ, सूधे वचन नहीं बोलती प्रियतम से, सूधे वचन ना बोलत सपने हूँ, हरि हूँ को अंगूठा दिखरावत, हरि हूँ को अंगूठा दिखरावत, मैं दासी अपनी राधा की करत खवासी जो रुचि पावत, ब्रह्मानंद मगन सुख सिद्धि निधि, भले ब्रह्मानंद रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलती हो, ब्रह्मानंद मगन सुख सिद्धि निधि श्रीवन गैल पाम ठुक रावत, मैं दासी अपनी राधा की करत खवा सी जो रुचि पावत, और अंत में ललित किशोरी जी कह रहे मुस्तगनी मगरूरी डोलत, अरे मैं पट्टरानी श्री राधिका की दासी हूँ क्यों ना हो गर्व,
संसारिक गर्व नहीं, पर यह गर्व क्यों ना हो, हम राधिका की दासी हैं। मुस्तगनी मगरूरी डोलत ललित किशोरी को गुण गावत, मैं दासी अपनी राधा की करत खवा सी जो रुचि पावत। तो मैं दासी अपनी राधा की करत खवासी जो रुचि पावत। आहा, इस 56वें श्लोक में राधा दासी का वैभव प्रकट हो रहा है। प्रियतम आलिंगन करना चाहते हैं, पर वह हाथ जोड़कर प्रियतम को कह रही, नहीं नहीं, आप प्रिया जी का आलिंगन करिए, मुझे तो सेवा सुख दीजिए। नहीं मानते प्रियतम, तो प्रिया जी को कहती हैं, प्रिया जी रोकिए प्रियतम को, मेरा मन तो आपके पदरस विलास में आविष्ट है, निविष्ट है। ऐसा भाव, ऐसा वैभव, ऐसी मन स्थिति राधा किंकरियों की है, बलियार बलियार। अब आगे 57वें श्लोक में श्रीपाद कह रहे हैं, प्रीतिम कामपि नाम मात्र जनित प्रोद्दाम रोमोद्गमाम राधा माधवयोः सदैव भजतोः कौमार एवोज्ज्वलाम वृंदारण्य नवप्रसून निचयानानीय कुञ्जान्तरे गूढ़ शैशव खेल नैरवत् कदा कार्यो विवाहोत्सव कदा कार्यो विवाहोत्सव। बलिहार, नई लीला की स्फुरणा हो रही है, नई लीला की। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जो युगल परस्पर का नाम लेते ही प्रोद्दाम पुलक विधायिनी अनिर्वचनीया कौमारोज्ज्वला प्रीति का सर्वदा भजन कर रहे हैं, जो युगल परस्पर का नाम लेते हुए अनंत अनंत माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, मैं वृंदावन के नवीन कुसुम लाकर रहकेली कुंज में निभृत निकुंज में उन श्री राधा माधव का शैशव क्रीड़ारूपी विवाह उत्सव आनंद पूर्वक कब संपादित करूंगी। शैशव क्रीड़ारूपी विवाह उत्सव आनंद पूर्वक कब संपादित करूंगी। आहा, अब फिर लीला विलास प्रकट हो गया। क्या देख रहे हैं, दिव्य निकुंज, दिव्य दिव्य पुष्पों से लताओं से दमक रहा है, महक रहा है, कैसा वह दिव्य यमुना पुलिन, आज तो बहुत ही सुंदर शोभा है, बहुत सुंदर शोभा है, उस कुंज की शोभा का कैसे वर्णन हो। और प्रिया प्रियतम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिपूर्ण है, और क्या कर रहे हैं, बलिहार युगल परस्पर का नाम ले रहे हैं। ओहो, जबकि निकट हैं, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। श्याम सुंदर राधे 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 राधिके राधिके ऐसा पुकार रहे हैं, और प्रिया जी कृष्णा 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 ऐसा पुकार रही है, जो युगल परस्पर का नाम लेते हुए प्रीति पूर्वक सर्वदा भजन कर रहे हैं। बलिहार बलिहार, ये न सोचिएगा हम ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये न सोचिएगा हम ही भजन कर रहे हैं, वहां निकुंज में भी भजन है,
जो प्रमाण ना मानता हो वो देख ले श्री राधा रसदा निधि का 57वां श्लोक। भजन कर रहे हैं, कोई ये ना सोचे नाम जप यही है, नाम कीर्तन यही है, भजन यही है। अरे दिव्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम का नाम, प्रियतम प्रिया का नाम और सखी मंजरीगण प्रिया और प्रियतम दोनों का नाम निरंतर ले रही हैं। और बंधुओं, हम लोग गौर कथा में श्रवण करते हैं, भले हरे कृष्ण महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में लिखा हो, भले हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मांड पुराण में लिखा हो, लेकिन श्री महामंत्र का मूल उद्गम कहाँ है? जो श्री महामंत्र करोड़ों करोड़ों वैष्णवों का कंठहार है, जीवन है, जिस श्री महामंत्र को स्वयं हमारे महाप्रभु जी ने संख्या पूर्वक जपा है, हमारे गुरुजनों ने जपा है, वह दिव्य महामंत्र मूल रूप में प्रकट कहाँ हुआ है? हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज कथा सुनाते और कहते, गुरुदेव भगवान, परम गुरुदेव भगवान, यह महामंत्र निकुंज में प्रकट हुआ है। कैसे? बोले, युगल परस्पर एक दूसरे का नाम लेते हुए भजन करते हैं ना, उसी अवस्था में यह महामंत्र प्रकट हुआ। कैसे? बोले, प्रिया प्रियतम, एक दूसरे के नाम को लाड़ करते हुए, नाम पुकारते हुए आलिंगनबद्ध होकर के विलासरत निकुंज में विराजमान है। प्रिया तो प्रियतम के भाव में डूबी रहती है, प्रियतम भी प्रिया के भाव में डूबे रहते हैं, और एक बार तो प्रियतम राधा प्रेमामृत में ऐसे खोए ऐसे खोए ऐसे खोए कि राधा राधा रटते श्याम सुंदर यही भूल गए कि मैं श्याम सुंदर हूं। और उस समय श्याम सुंदर के मुख से निकला हरे, संबोधन के रूप में राधा नाम की सप्तम विभक्ति हरे होती है, हरे माने श्री राधे। यह हरे शब्द प्रियतम के मुख से निकला। अब महामंत्र को दृष्टि में रख के ये व्याख्या सुनिएगा तो महामंत्र का अर्थ समझ आएगा और आस्वादन अधिक होगा। परम गुरुदेव की वाणी है, श्याम सुंदर राधा प्रेम में विभोर हैं और क्या कह रहे हैं? हरे 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 राधे राधे ऐसा बोल रहे हैं। तभी प्रिया जी आई, कहा कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा ये आप क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, हरे माने मैं राधा हूं, कृष्ण नहीं। श्री जी ने कहा, प्रियतम कृष्ण, कृष्ण आप कृष्ण हो, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण आप कृष्ण हो, कृष्ण। लेकिन श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं नहीं, हरे हरे, मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। एक पंक्ति पूरी हो गई ना, 16 नाम में से 8 नाम हो गए ना, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। फिर प्रिया जी ने कहा, हरे राम, अरे मेरे प्रियतम को क्या हुआ? मेरे प्रियतम तो प्रेम में बाबरे हो गए, अब मैं कैसे शुद्धि कराऊं? तब प्रिया जी ने कहा, हरे राम, प्रियतम आप हरे राम हो, हरे माने राधिका, राम माने रमण करने वाले, माने आप राधा रमण हो, आप हरे राम हो, आप राधिका रमण हो, हरे राम। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा, नहीं, हरे मैं राधा हूं। प्रिया जी ने कहा, राम आप राम हो, राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम आप राम हो, राम आप रमण करने वाले हैं, आप रमण करने वाले हैं, आप राधिका रमण हो। पर श्याम सुंदर कहते, नहीं नहीं, हरे हरे मैं राधा रमण नहीं, मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। और बंधुओं, यह महामंत्र दिव्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम के मुख से प्रकट हो गया। ऐसे ही तो इस महामंत्र को महाप्रभु जी ने अपना जीवन नहीं बनाया,
अरे यह महामंत्र तो निकुंज विहारी निकुंज विहारणी प्रिया प्रियतम का निकुंज में विलास है, निकुंज का वार्तालाप है। इसी भाव का स्वादन करने के लिए तो कृष्ण गौरांग बने हैं। तब महाप्रभु जी ने इसी मंत्र को जपा है और इसी मंत्र का प्रचार किया है। श्रीमद् महाप्रभु जी के अनुगतों ने इसी महामंत्र को अपना कंठहार बनाया है। महाप्रभु ने महामंत्र का दान किया है, इसलिए महाप्रभु की पद्धति से ही महामंत्र का आश्रय लेना होगा। यदि निकुंज विहारी निकुंज विहारणी को पाना है, यदि इस वृंदावन रस को पाना है, तो महाप्रभु के अनुगत होकर महाप्रभु जी के भाव से महामंत्र का आश्रय लेना होगा। यह अत्यंत अत्यंत भाव में श्री महामंत्र श्री निकुंज में प्रकट हुआ है प्रिया प्रियतम के मुख से। इस 57वें श्लोक में यह सिद्ध हो रहा है, जो युगल परस्पर का नाम लेते ही, परस्पर का नाम लेते हुए प्रीति पूर्वक सर्वदा भजन कर रहे, एक दूसरे का नाम पुकार रहे, श्याम सुंदर हरे कहते, प्रिया जी कृष्ण कहती, ओहो यह हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन श्री दिव्य निकुंज में हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का अखंड जप चल रहा है, क्योंकि नाम और नाम ही एक है। श्याम सुंदर को जैसा प्रिया जी को आलिंगन करने में सुख आता है, ऐसा ही सुख प्रिया जी का नाम लेने में आता है। जैसा प्रिया जी को प्रियतम को चूमने में आनंद आता है, ऐसा ही श्याम सुंदर का नाम लेने में आता है। जो युगल परस्पर का नाम लेते हुए प्रीति पूर्वक सर्वदा भजन कर रहे हैं, उन प्रिया प्रियतम को निहारा, वह प्रिया प्रियतम विनोद कर रहे, एक दूसरे का नाम ले रहे। अरे आज तो मंजरी को विनोद सूझा, पर मंजरी किंकरी के सारे विनोद भी युगल के सुख के लिए हैं, अपने सुख के लिए नहीं। संसार में हम लोग दूसरे से विनोद करते हैं अपने सुख के लिए, हमको अच्छा लगेगा, भले हमारे विनोद से मजाक से वो नाराज हो जाए, पर मंजरियों का विनोद भी युगल के सुख के लिए है। अरे युगल तो आज विभोर थे नाम कीर्तन में, आज उनको सुध नहीं थी। मंजरियों देख रही थी, उलझे थे एक दूसरे में हरे कृष्ण कहने में। मंजरियों ने इतनी देर में, जहां प्रिया प्रियतम बैठे थे ना वेदी पर, अब प्रिया प्रियतम तो खो है नाम आस्वादन में, सखी मंजरी ने जहां प्रिया प्रियतम बैठे थे वहां मंडप के चार खंब गाड़ दिए। उन चार खंबों के ऊपर एक वितान एक चंदुआ तान दिया, पुष्पों से लताओं से लता वल्लरी लगा दी, मंडप बना दिया, और श्रीपाद के रूप में, श्रीपाद जो मंजरी रूप में सेवा में विराजमान है, धीरे से पीछे जाके जिस वेदी पर प्रिया प्रियतम बैठे हुए थे, जिस मंडप के भीतर बैठे हुए थे, पीछे से जाके प्रिया प्रियतम का गठजोड़ कर दिया। प्यारी की चुनरी प्यारे के पीतांबर से बांधी, कर दिया गठजोर। प्रिया प्रियतम को तो खबर नहीं, वह तो नाम कीर्तन में मगन है, आलिंगन परिरंभन कर रहे। बहुत देर बाद भाव समाधि भंग हुई, तब मंजरियों ने कहा प्रिया प्रियतम को, आप वन विहार को पधारिए सरकार। तब प्रिया प्रियतम वन विहार को चले, अभी भी नहीं पता पड़ा कि गठजोड़ है। अब जब गठजोड़ किए हुए वन विहार कर रहे हैं, सखी मंजरी गण चंवर करते, बीजना करते, पुष्प बरसाते, इत्र बरसाते चल रही हैं, लेकिन सारी मंजरी, अब करा तो श्रीपाद ने मंजरी स्वरूप से, पर बाकी जितनी मंजरी गण है, रूप मंजरी लवंग मंजरी गुण मंजरी विलास मंजरी चंपक मंजरी समस्त मंजरी गण मंजुलाली मंजरी इत्यादि, और ललिता जी विशाखा जी सुदेवी जी रंग देवी जी, सारी जो अष्ट सखी गण है, वे सब मुख पर हाथ धर धर के हंसने लगी। अरे देख तो प्रिया प्रियतम आश्चर्य कर रहे हैं, अरे ये सब हमको देख के हंस क्यों रहे हैं, ये सब विनोद क्यों कर रहे हैं।
प्रिया जी देखती हैं, ऐसे तो कभी नहीं हंसती हैं सब, क्यों हंस रही हैं? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। श्री प्रिया जी दूर श्री ललिता जी खड़ी थी उनसे पूछने के लिए, अरे ये सब मंजरियां बहुत विनोद करने लगी हैं, मैं अपनी सखी ललिता से पूछूंगी, वो मुझको सच सच बताएगी, ये सब हंस क्यों रही हैं, इन्होंने ललिता को इतना दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि मंजरियों ने ललिता जी से प्रार्थना की थी, आप ना बताना, थोड़ी देर आनंद होने दो। और जैसे प्रिया जी वन विहार की झांकी को छोड़ के ललिता जी के निकट जाकर इस बार बार हंसने का रहस्य पूछने लगी, जैसे आगे को बढ़ी तैसे ही प्रियतम के पीताम्बर से अपनी चुनरी की गांठ लगी देखी, अरे तब प्रिया जी को समझ आया ये विनोद क्यों हो रहा है, अरे ये मनोरथ है। तब सब प्रिया प्रियतम के ऊपर पुष्प बरसाने लगे, गाने लगे, आओ आओ री जुगल को ब्याह करें उत्साह भरें, राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें हिय भाव भरें, एक प्राण दो देही जो हैं एक दूजे के मन जो मोहें, नैनन सो नैना उर्जो हैं, तो कैसे दो उनको गठजोड़ करें उत्साह भरें, आओ आओ री जुगल को ब्याह करें उत्साह भरें, खूब जमी है अद्भुत जोड़ी सांवल श्याम राधिका गोरी, चंदा एक तो एक चकोरी दो बांधे प्रेम की डोरी, दो बांधे प्रेम की डोरी, अब इनके ही सुख की चाह करें उत्साह भरें, राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें उत्साह भरें, गौरदास मेरे प्राण जीवन धन, गौरदास मेरे प्राण जीवन धन, दुल्हिन प्यारी दुल्हा प्रियतम, पाऊं कुंज महल रस टहलन, इनके ही लाड़ चाव सुख सेवन, ओ इनको यश गावत प्रेम झरे उत्साह भरे, फूल बरसा रही सखियां और गा रही हैं, इनको यश गावत सुमन झरे उत्साह भरे, आओ आओ री युगल को ब्याह करें उत्साह भरें, राधा रानी नंद नंदन को लाड़ करें उत्साह भरें, बलिहार बलिहार बलिहार।
तो 57वें श्लोक में वह गठजोर की लीला हुई और श्रीपाद ने यही प्रार्थना करी, गुणम शैशव खेलनेर बत कदा कार्यो विवाहोत्सव। मैं कब कब आनंद पूर्वक प्रिया प्रियतम का वह निकुंज धाम में विवाह उत्सव मनाऊं, उस झांकी में मन डूबा है। और अब आगे 58 श्लोक में उसी लीला रस में आगे बढ़ रहे हैं श्रीपाद, क्या कह रहे हैं? विपंचित सुपंचमम विपंचित सुपंचमम रुचिरे वेणुना गायता प्रियेण सह वीणया मधुर गान विद्यानिधि करिंद्र वन सम्मिलन मदकरिण्योदार क्रमा कदानु वृषभानुजा मिलतु भानुजा रोधसी। आहा, मधुर वीणा गान विद्या की निधि स्वरूपा करिंद्र के साथ वन में सम्मिलित मदुन्मत्त करिणी की तरह, माने श्याम सुंदर की उपमा गज से और प्रिया जी की उस गज की प्रिया से उपमा दे रही हैं, ऐसी सुखदेव जी ने भी रास क्रीड़ा में विहार के समय उपमा दी है। तो करिंद्र के साथ वन में सम्मिलित मदोन्मत्त करिणी की तरह सुंदर गति विशिष्टा श्री राधा मनोहर वेणु मार्ग पर वीणा की तरह पंचम स्वर से संगीत पैदा करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण के साथ यमुना तीर पर कब जा मिलेंगी, कब यमुना तीर पर मिलन होगा? अभी विहार हुआ निकुंज में और उसके साथ साथ अब रास विहार का उद्दीपन हो रहा है। ओहो, करिंद्र माने हाथी, करिणी माने हथिनी, जैसे मदमत्त होकर के हाथी हथिनी मत गंध चाल से विचरण करते विभोर होते हुए, ऐसी उपमा प्रिया प्रियतम को दे रहे हैं। यह भागवत जी की उपमा है। श्री प्रिया जी वेणु मार्ग पर, श्याम सुंदर ने रास के लिए वेणु नाद किया है और श्री प्रिया जी उसी वेणु मार्ग पर, माने जिस दिशा से वेणु आ रही है, जिस वंशी वट की ओर से, रास मंडल की ओर से, यमुना पुलिन की ओर से, श्री प्रिया जी उसी वेणु मार्ग पर वीणा की तरह पंचम स्वर से संगीत पैदा करने वाले श्री कृष्ण मिलन के हेतु यमुना पुलिन पर जा रही हैं और वह प्रिया प्रियतम मतमंत गजेंद्र और वह मादा गजेंद्र की तरह मिलित होकर के गर्भैया दे करके श्री यमुना तट पर पहुंच रहे हैं और मंजरी स्वरूप से श्रीपाद पाचना प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, हे प्रिया जी यमुना तीर पर आपका कब मिलन होगा? हे प्रिया जी आप उस वेणु मार्ग पर भागी जा रही हैं, पीछे पीछे हम भी सेवा का सामान लेकर चल रही हैं, यमुना तीर पर प्रियतम के साथ आपका कब मिलन होगा? कदानु वृषभानुजा मिलत भानुजा रोधसी। हे प्रिया जी हम यमुना तीर पर आपके मिलन का कब दर्शन करेंगी, कब दर्शन करेंगी? यमुना किनारे मिलत प्यारी प्यारे, यमुना किनारे मिलत प्यारी प्यारे, सखियन के जहाँ यूथ समारे, जल जंत्रन सो छुटत फुहारे, फूलन की कुंज तहाँ सखियाँ समारे, जमुना किनारे मिलत प्यारी प्यारे, चहु दिस
होए रे जय जय कारे, गायन नर्तन वादन महारे। चल 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 मन चलिए ताहारे, यमुना किनारे मिलत प्यारी प्यारे। गौरदास बलि 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 जा रे, गौरदास बलि 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 जा रे। सेवा में राखो मोकु निकट बुलारे, सेवा में राखो श्री जी निकट बुलारे। यमुना किनारे मिलत प्यारी प्यारे। तो कदानु वृष भानुजा मिलतु भानुजा रोदसी, कब यमुना तीर पर आपका मिलन होगा। ये कहते ही तो मानो मिलन हो गया और श्री यमुना पुलिन पर दिव्य रास प्रकट हो गया। और 59वें श्लोक में श्रीपाद मंजरी स्वरूप से उस रास रस का अनुभव कर रहे हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं 59वें श्लोक में, सहासवर मोहनाद्भुत विलास रासोत्सवे, विचित्रवर तांडव श्रम जलार्द्र गंड स्थलौ, कदानुवर नागरी रसिक शेखरौ तौ मुदा भजामि पदलालनाल ललित वीजनम कुरवती। भजामि पदलालनाल ललित वीजनम कुरवती। बलिहार श्रेष्ठ हास्य रस समन्वित मोहनाद्भुत विलास रासोत्सव में विचित्र तांडव के प्रकट होने से श्रम के कारण जिनके कपोल स्वेदाद्र हो गए हैं, जिनके गंड स्थल कपोल पर स्वेद की पसीने की बूंद आ गई हैं, मैं उन नागरी मणि श्री राधिका और रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर का पाद सेवन और ललित वीजन के द्वारा पंखे के द्वारा बयार करते हुए वीजन द्वारा आनंद पूर्वक कब भजन करूंगी। बलिहार 58वें श्लोक में प्रार्थना किए कि यमुना पुलिन पर कम मिलन होगा और उस 59वें श्लोक को बोलते उससे पहले मिलन हो गया, रासरस प्रकट हो गया। और प्रिया प्रियतम ओहो रासोत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेन कृष्णेन तासाम मध्य दुर्दयो, दिव्य रूप में रासरस प्रकट होने लगा। कैसा रासोत्सव, विचित्र तांडव हो रहा है, जहां माने विचित्र रूप से दिव्य नित्य हो रहा है। तांडव एक गति है नित्य की, दिव्य रूप में जहां नित्य हो रहा है और ऐसा नित्य हो रहा है। प्रिया प्रियतम ऐसे रास सुख में डूबे हैं, ऐसे नर्तन गायन वादन में डूबे हैं, होड़ लगी है। गाता कौन अधिक श्रेष्ठ है, बजाता अधिक श्रेष्ठ कौन है, नित्य अधिक कौन करता है। और न्यायाधीश बनी है ललिता जी, सखी मंजरी सेवा में लगी हैं। उस अत्यधिक नित्य के कारण, गायन के कारण, वादन के कारण प्रिया प्रीतम श्रम युक्त हो रहे हैं, दिव्य नित्य हो रहा है श्री वृंदावन पुलिन में। ओहो कैसा नित्य। रास पंचाध्याय की कथा में रास महोत्सव में हम गाते हैं ना, आज जुगल नाचे रे राधा कृष्ण नाचे रे, मुरली मधुर बाजे रे वृंदावन धाम सखी आनंद माचे रे। गरबहिया दिए खड़े दो महाभाव भरे, गोपी मध्य राजे रे
आज युगल नाचे रे मोहन सिर मोर मुकुट प्यारी सिर चुनरी चटक कुंडल भल भ्राज रे धन धन चरनन की पटक छीन कटी जात लचक तत थे ठाक रे आज जुगल नाच रे शरद रैन दिव्य मिलन अतिशय प्रेम आलिंगन गायन वादन नर्तन कुंज केली साज रे आज युगल नाच रे अति अद्भुत नित्य गति देवन की ठकी मती सवही गोपी कृष्णपति राधा संग नित्य रति कोटि काम लाज रे आज युगल नाच रे रास नित्य हो रहा है और गुरु मंजरी क्या कर रही है मंजरी गण क्या कर रही है सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी सखी माँ गाती है ना चांद के घेरे चांदेर माला जुगल घेरे ब्रज बाला तो सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी गौरदास टहल करी सारी गुरु मंजरी नाचत आनंद भरी गौरदास टहल करी कृपा दृष्टि याच रे आज युगल नाच रे राधा कृष्ण नाच रे तो दिव्य नित्य हो रहा है और उस दिव्य नित्य के कारण विचित्रवर तांडव श्रम जलाद्र गंड स्थल प्रिया प्रियतम के कपोल भीज गए हैं श्रीअंग पर स्वेद की बूंद और जैसे वह रास रस थमा अरे मंजरी गण प्रिया प्रियतम को घेर के बैठ गई कोई वीजना कोई पंखा कोई जल कोई कोमल वस्त्र से पसीने को पूछ रही है स्वेद का मार्जन कर रही है ओहो कोई चरण दबा रही है प्रिया प्रीतम इतनी देर से नृत्य कर रहे हैं थक गए होंगे कोई विविध पेय की व्यवस्था कर रही है कोई भोग की व्यवस्था कर रही है कोई बीजना कर रही है कोई चमर कर रही है ओहो उसी झांकी का बंधुओं दर्शन शिपाद इस 59वें श्लोक में कर रहे हैं कदानुवर नागरी रसिक शेखरो तव मुदा भजामि पद लाल नाल ललित वीजनम कुरवती कब उस समय जब आप रास करके थक गए होंगे श्रमित होंगे उस समय कब नागरी मणि श्री प्रिया जी और रसिक शेखर श्याम सुंदर को घेर कर आपका पाद सम्मान करते हुए आपको वीजना करते हुए आपको चमर करते हुए आनंद पूर्वक में भजन करूंगी आपकी सेवा करूंगी आहा लीला विलास फूट रहा है और जैसे वह लीला आंखों से ओझल होती है तो विलाप प्रलाप यही तो वैष्णव का भजन है यही तो जीवन है यही तो सीखना है और जैसे वह लीला विश्राम हुई 59वें श्लोक में तो 60वें श्लोक में श्रीपाद का अपार विरह प्रकट हो गया और वह क्या कह रहे हैं 60वें श्लोक में वृंदारण्य निकुंज मंजुल ग्रहेश्वात मेश्वरिम मार्गयन हाराधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नित्यालपन कालिंदी सलीले चतत कुचतटी कस्तूरिका पंकिले स्नायम स्नायमहो कुदे हजमलम जहयाम कदा निर्मलह स्नायम स्नायमहो
को दे हजमलम जहयाम कदा निर्मल। जिस रास का अनुभव हो रहा था, जिस रास का दर्शन कर रही थी, प्रिया प्रियतम को घेर के वीजना कर रही थी, चमर कर रही थी, स्वेद पूछ रही थी, शीतल जल प्रदान कर रही थी, अचानक वह रासमंडल नेत्रों के आगे से लुप्त हो गया। अचानक वह लीला की स्फूर्ति में विराम आ गया और जैसे स्फूर्ति भंग हुई आर्तनाद, और उस समय शिपाक मंजरी आवेश में प्रिया जी को खोज रहे हैं श्री वृंदावन में। अहो, श्री वृंदावन के मंजुल निकुंज ग्रह में आत्मेश्वरी को, अपनी प्राणेश्वरी को खोजते खोजते हा राधे कहते हुए सविदग्ध जनों द्वारा दिखाए रास्ते पर क्यों नहीं चल रही, इस प्रकार कहते कहते श्री राधा के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी द्वारा पंकिल हुए उस यमुना जल में स्नान करते करते निर्मल होकर मैं कब अपने कुदेहज मल को त्यागूंगी। यह प्रार्थना 60वें श्लोक में है। जाना होगा भाव राज्य में, रास हो रहा था, दिव्य रास का अवलोकन किया, दिव्य सेवा भी संपादित की, बीजना कर रही थी, चमर कर रही थी, प्रिया प्रियतम को जल भी पिलाया था, स्वेद भी पूछा था, पर जैसे प्रिया प्रियतम के चरण पलोटने लगी अचानक वह लीला अंतर्धान हो गई। इन प्रिया प्रियतम को खेल करने का तो अनादि स्वभाव है, अनादि स्वभाव है इनका। जैसे लीला लोप हुई आचार्य व्याकुल हो गए, जैसे किसी सर्व की मणि खो गई हो, जैसे किसी रंक को मिले हुए धन को अचानक किसी ने फिर चुरा लिया हो, जैसे मणि के बिना फणी व्याकुल होता है, जैसे जल से निकालने पर मछली तड़पती है, जैसे बछड़े को खो जाने पर गैया तड़पती है, ऐसे श्री वृंदावन के मंजुल निकुंज ग्रह में प्राणेश्वरी को खोजते हुए हा राधे ऐसा कहते हुए श्रीपाद यमुना पुलिन पर विहार कर रहे हैं। हा राधे हा राधे आप कहाँ हो। प्रिया नहीं दिखाई दी, प्रियतम नहीं दिखाई दिए, वह अष्ट सखी नहीं दिखाई दी, मंजरियों के जूत नहीं दिखाई दिए, वह रास रजनी नहीं, वह दिव्य धाम का प्रकाश भी नहीं, व्याकुल हो गए। तब दृष्टि गई यमुना जी पे, तब यमुना जी को निवेदन करने लगे, हे यमुना जी, आपके भीतर तो श्री राधा के हृदय भाग से लगी कस्तूरी, जो प्रिया जी के श्रीअंग पर कस्तूरी, श्याम सुंदर के श्रीअंग पर जो केसर कस्तूरी का लेप होता है, वह आपके भीतर स्नान करते हुए सारा कस्तूरी केसर, वह प्रसाद आप ही को प्राप्त होता है। प्रिया जी के कुछ प्रांत से लगी कस्तूरी द्वारा ही शायद आप इतनी, वह प्रतिदिन वह प्रसादी केसर कस्तूरी आप में गिरता है, इसीलिए यमुना जी आपका जल श्याम हो गया है। हे यमुना जी, प्रिया जी की प्रसादी कस्तूरी द्वारा पंकिल हुए यमुना जल में स्नान करते करते निर्मल होकर मैं कब अपने कुदेहज मल को त्यागूंगी। अर्थ क्या है, अब कुछ और नहीं दिख रहा, लीला संपुटित हो गई, अब यमुना जी से आर्तनाद हो रहा है, यमुना जी को प्रार्थना हो रही है, हे यमुना जी आप मुझ पर कृपा करिए, आपको तो निरंतर प्रिया प्रियतम का दिव्य संग प्राप्त होता है, दिव्य सानिध्य प्राप्त होता है, रास के उपरांत आपके भीतर ही क्रीड़ा करी होगी, मैं तो सख से वंचित हो गई। श्रीपाद मंजरी आवेश में कूद पड़े श्री यमुना जी के भीतर और भावना कर रहे हैं, ये यमुना जी तो प्रेमदायिनी है, कलमश का नाश करने वाली है, इन यमुना जी में स्नान करके मैं अपने कुदेहज मल को, कुदेहज मल माने अपने को शरीर मानना, अपने को पंच भौतिक देह मानना, मैं भगवान का अंश हूं, मैं कृष्ण दास हूँ, मैं राधिका दासी हूँ, इस भाव को न मान के मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, इन भावों को मानना ये कुदेहज मल है, ये पंच भौतिक देह में जो ममत्व है ये कुदेहज मल है, यह देह का मल है। श्रीपाद आविष्ट हो रहे हैं विरह में,
साधका वेश में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, यमुना जी के भीतर उस केसर उस कस्तूरी को ढूंढना चाहते हैं। प्रिया प्रियतम अभी अभी यमुना जी से स्नान करके निकले होंगे, उनके अंग की गंध यमुना जी में विराजमान है, उनकी प्रसादी माला पुष्प अवश्य यमुना जी में तैर रहे होंगे, उनको ढूंढना चाहते हैं। यमुना जी में स्नान करते भावना हो रही है मानो मैं प्रिया प्रियतम के चरणामृत में स्नान कर रही हूँ, प्रिया प्रियतम के स्नान जल में स्नान कर रही हूँ, प्रिया प्रियतम के दिव्य अंग गंध से युक्त जल मुझको पावन कर रहा है। और इस यमुना जी में स्नान करते करते मेरा कुदेह अजमल, अपने को देह मानना, अपने को शरीर संसार मानना है सबसे बड़ी बाधा है भजन में। तो अपने आप को शरीर मानना, पंचभौतिक देह मानना, उसमें ममत्व होना शरीर संसार में, इस मल का अवश्य आज मैं यमुना में त्याग कर दूंगी। और यह यमुना जी मुझे दिव्य स्वरूप प्रदान करेंगी, मुझे ऐसा दिव्य स्वरूप प्रदान करेंगी श्री यमुना जी, मुझे मंजरी स्वरूप प्रदान कर देंगी। और श्री यमुना जी अवश्य पुष्टि मार्ग में, तो विशेष रूप से यमुना जी की ऐसी भावना है कि यमुना जी अंगीकार जीव को तैयार करके श्री गिरिराज धरण की सेवा में समर्पित करती हैं, तो वह यमुना जी मेरे मल को दूर कर देंगी, मुझे पावन बना देंगी, मेरी जो ग्रह आ सकती है, मेरी जो देह आ सकती है उसको दूर कर देंगी, और मुझको मंजरी वेश में सजा करके प्रिया प्रीतम की सेवा में ऐसा समर्पित करेंगी जिससे कभी आवेश छूटेगा नहीं, लीला में कभी विराम नहीं होगा। तो 60वें श्लोक में श्री यमुना जी को प्रार्थना करने लगे श्रीपाद। श्री यमुना पगवंदन की जय, श्री यमुना कवहूँ बड़े भाग तट बसिए, ताप हिये को छीजे, श्री यमुना पगवंदन की जय। जहाँ हिल मिल जल केली करत नित, पिय प्यारी रस भीजे, केसर मृग मद चंदन मिश्रित बड़े भाग्य जल पीजे, झूठन खाय थार की रहिए, गाय गाय गुण जीजे, भोरी के ही रंग भरी यमुना प्रीत अटपटी दीजे। श्री यमुना पगवंदन कीजे, श्री यमुना पगबंधन की जय। भावना कर रहे श्रीपाद, भोरी सखी जी इन्हीं भावों का अनुशीलन करके अपनी वाणी में गा रही हैं। यमुना तट कब रात बितामो, यमुना 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 तट कब रात बितामो, दर्शन आस लुभानी बैठी छिन ना निमेश लगावो, कबहू हेर हेर दिस टेरत नैनन बारी बहावो। यमुना तट कब रात बितावो, यमुना तट व्याकुल गात देह रोमांचित, नाम टेर रट लावो, कबहू सभ्रम रूप लुभानी उठी उठी इत उत धावो, कबहू गुनगन गुनत दयानिधि बैठी बैठी अकुलावो, यह मेरी आस पुजाई अभोरी बार बार बलि जावो। हे यमुना, श्री यमुना, यमुना तट कब रात बितावो, दर्शन आस लुभानी बैठी छिनना निमेश लगावो, यमुना तट कब रात बितावो। इस 60वें श्लोक में श्री यमुना जी के तट पर बैठे
आचार्य पाद विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, यमुना जी के निर्मल जल का पान कर रहे हैं, यमुना जी में स्नान करके जन्म जन्म के आवरण को नष्ट कर देना चाहते हैं, मंजरी स्वरूप को स्थायी रूप से प्राप्त कर लेना चाहते हैं, यमुना जी के तट पर बैठे प्रिया प्रियतम के दर्शन की आशा कर रहे हैं बंधुओं, आहा यही स्मरण है। हम भी श्रीपाद के आनुगत्य में, गुरुजन के आनुगत्य में, इस 60वें श्लोक के आनुगत्य में, हम वृंदावन में हैं तो प्रकट में यमुना जी जाएं और यमुना जी के तट पर बैठ करके यमुना जी का दर्शन करके प्रिया प्रियतम की आशा करें। आप जहां भी हैं भावना में दर्शन करिए ना, वृंदावन चिन्मय है, यमुना जी चिन्मय है, जैसे पुकारने पर प्रिया प्रियतम कहीं भी प्रकट होते हैं, ऐसे पुकारने पर वृंदावन श्री यमुना श्री राधा कुंड सब प्रकट होते हैं। अपने घर में बैठ कर हम भावना कर सकते हैं, हम यमुना जी के तट पर बैठे हैं, बंद नेत्रों से यमुना जी को निहारिए और फिर राधा माधव को पुकारिए, निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन, ढूंढो 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 कहाँ छिपे प्रिया प्रियतम, निरखहु मन वृंदावन, निरखहु मन वृंदावन। तो श्रीपाद भी यमुना तट पर बैठ करके प्रिया प्रियतम मिलन की आस करते हैं, हमें भी अपने चित्त को यहीं डुबाना है, यहीं लगाना है, भावना में दिव्य यमुना पुलिन पर बैठकर प्रिया प्रियतम की कृपा की आशा करनी है। आज इसी भाव के साथ 60वें श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, आगे पुनः 61वें श्लोक से कल आगे की यात्रा करेंगे। अभी आप सबको प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9985816332।